نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين ये सूरह बनी इसराइल की आयात 101 ता 104 हैं जो इस वक्त मैंने आपके सामने तलावत की हैं। आलम इस्लाम में जो तौहीद के दो मराकज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायम किए थे उनमें से एक मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ है और दूसरा यरूशलम में बैतुल मुकद्दस या बैतुल मक़दस है। ये दोनों इसके तलफ़ ठीक हैं। इन दोनों की अपनी अपनी एक तारीख है, बड़ी तवील तारीख है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। उनमें से जो एक है जो यरूशलम है वो इस वक्त यूं समझिए कि आग और खून के दरिया से गुजर रहा है और इस शहर ने ये कैफियत इससे पहले भी कई दफ़ा देखी है। मैं चाहता ये हूँ कि कुछ आपके सामने इसका पस मंज़र या पूरी तारीख रख दूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा इन आयात का तर्जमा कर लूँ, फिर हम ज़रा थोड़ा तारीख की तरफ आते हैं। फरमाया वलकद आतैना मूसा तिस आयात बय्यिनात, हमने मूसा को नौ बड़ी बड़ी निशानियाँ दी। फसल बनी इसराइल, बनी इसराइल से पूछो, बनी इसराइल जिन्हें आज हम यहूदी कहते हैं, इसराइल असल में याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था, लकब बल्कि, और उनके जो बेटे थे 12 बेटे जिनमें से एक याकूब यूसुफ भी थे मशहूर, और उनके एक भाई बिन्यामीन थे, 10 दूसरे भाई थे, ये 12 बेटे, इनसे जो 12 कबीले चले हैं वो बनी इसराइल कहलाते हैं। तो बनी इसराइल से पूछ लो, इस जा अहम, जब वो मूसा आए थे उनके पास, अब ज़ाहिर है जब आए थे तो ये मिस्र में थे, अभी झगड़ा कहाँ हो रहा है, झगड़ा यरूशलम में हो रहा है, और मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास कहाँ आए थे, मिस्र में आए थे। फ़काल लहू फिरौन, तो मिस्र में उस वक्त जो बादशाह था फिरौन, तो फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये निशानियाँ देख कर कहा, इन्नी लाज़ुन्नो का या मूसा मस्हूरा, ऐ मूसा मेरा तो ये ख्याल है कि तुझ पे जादू कर दिया गया है। ये नोट कीजिए, फिरौन कौन है, बादशाह है, ताकतवर है, जबरूत उसका मतलब जबर है उसका, मुकाबले में मूसा क्या है, अकलौता है, अगरचे के 6 लाख कौम उसके साथ है, लेकिन ये वो कौम है जो कहती है कदम बढ़ाओ और पीछे नहीं आती, ये सारे कूफी हैं, ये कुर्बानी देने वाले नहीं हैं। इनमें से हर बात नोट करते रहिए, ये बात कहीं और जाके पेस्ट होगी आज, लेकिन उस वक्त ये नोट करें कि इनमें से कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कुर्बानी देने के लिए नहीं है, हैं तो चंद हैं, बाद में साबित भी हो गया जब उन्होंने कहा फजा बनता हुआ रब्बो का फ़कातला इन्ना हा उन्ना कायदून। तो तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि हमसे हमारे गुलामों को छीन के ले जाओगे, तो ये पागल होने वाली बात है या नहीं है? तो मालूम होता है तुझ पे जादू हो गया है, कोई अकल की बात नहीं कर रहे जो तुम कर रहे हो। इन्नी लाज़ुन्नो का या मूसा मस्खूरा, काला लकद अलिमता मा अंज़ला हा इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ध, हज़रत मूसा ने फरमाया तुझे मालूम है और बेशक तुझे मालूम, कद है ना, कद अलिमता, लाजमन तू जानता है, तुझे पता है, मानजल हाउला इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज, ये निशानियां नहीं उतारी हैं मगर आसमानों और ज़मीन के रब ने उतारी हैं। रब होने का तू भी दावा करता है रब्बुल मिस्र, लेकिन असल में तो रब आसमानों और ज़मीन का जो है ये उसने उतारी है। अच्छा, यानी इसका मतलब तुम ये जो आगे से मुझे कह रहे हो कि तुम पर जादू है, ये बयानियाँ है तुम्हारा, एक झूठ गढ़ के
अपनी आवाम को अपने साथ उल्लू बनाने के लिए तुमने ये काम किया है, वगरना तुझे अंदर से पता है कि हक क्या है और झूठ क्या है। और ये लोगों की आंखें खोलने के लिए हैं। वहिन्नी लाजुन्नु का या फिरौन मसबूरा, और फिरौन मुझे यकीन है कि तू तबाह होने वाला है। अब इसके पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा है कि दुनिया में उरूज वो लोग पाते हैं जो सच्चाई पर खड़े होते हैं, जो झूठ पर खड़े होते हैं वो लाजमन जलील होते हैं और लाजमन वो उनके ऊंधे मुंह गिरते हैं और लाजमन जवाल से दो चार होते हैं। अगर मेरी बात आपको यकीन ना आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें कि ये जो सिद्क है, सच्चाई है, ये है कि जो इंसान को उठाती है, वल कज़्ब युहलिक, और ये जो झूठ है ये इंसान को हलाक करता है। इन्ना सिद्का युंजी, निजात सच्चाई में है और झूठ बोलने में हलाकत है। तो तू झूठ बोल रहा है, तेरी हलाकत होनी है। तो झूठे और सच्चे का ये फ़र्क है, सच्चा कभी ना कभी लाजवन गालिब आएगा और झूठा हमेशा मगलूब होकर रहेगा। अभी ठीक है, तेरे पास इक्तदार भी है, ताकत भी है, कुव्वत भी है, लेकिन ये कि ये अब ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। फाराद, अब इतनी बड़ी बात कह दी तो उसने इरादा किया, उसने ठानी, उसने चाहा। ये इरादा वही है जिससे मुरीद होता है बंदा, किसी का मुरीद हुआ यानी उसने इरादा किया उसका, यानी उसका इरादा जैसे नहीं होता 40 दिन का इरादा करो, तो ये वही इरादा है। फिरौन ने इरादा किया यस्तफिज़हुम मिनल अर्द, के हज़रत मूसा को ज़मीन में डगमगा दे। फागरक ना हो तो हमने उसको गर्क कर दिया, किसको? फिरौन को। व मम आहु, उसकी सारी फौजों को भी गर्क कर दिया, जमीन सब के सब को। व कुल ना मिम्बाद ही, और उसके बाद हमने, अच्छा ये याद रखिएगा, ताकतवर कौन था? फिरौन। उसने इरादा किया मूसा को ख़त्म करने का, हमने फिरौन को ख़त्म कर दिया और उसके साथियों को भी ख़त्म कर दिया, सब के सब को ख़त्म कर दिया। और वो जो कमज़ोर थे, माड़े, जिनका कोई वाली वारिस नहीं था, जो बिल्कुल ही जिनके कोई नाम लेने वाला या कोई पुष्टिबान नहीं था, उनको हमने गलबा दे दिया और उनसे कहा जाओ अब जाके वहाँ शाम में रहो। मिम्बाद ही बनी इसराइल से कह दिया उस कुनुल अर्द, उस ज़मीन में जाके ठहर जाओ, सुकूनत इख्तियार करो उस ज़मीन में। फैज़ा जा वादुल आखिरत जे ना बेकुम लफीफा, जब आखिरी वादे का वक्त आएगा तो हम तुम्हें लपेट कर ले आएंगे। अब ये लफीफ लफाफा, जैसे किसी शेख को लफाफे में बंद करके लाते हैं। अब कुरान नाजिल कब हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के कम अज़ कम 2000 साल बाद आ रहे हैं, जब ये बातें हो रही हैं उसके 2000 साल बाद आ रहे हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें कर, यानी कुरान में ये बातें आ रही हैं, उस वक्त बनी इसराइल दुनिया में मुंतशिर हैं, तितर बितर हैं। और अब उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें वापस लाया जाएगा इस सरजमीन के ऊपर, जे ना बेकुम लफीफा, हम तुम्हें लेके, यानी अभी जाओ ठहरो, बाकी बात छोड़ दी, बाकी किधर है? वो इस सूरह मुबारका के शुरू में है, वो मैं अभी आपके सामने तफसीर रखता हूँ। लेकिन जब हुजूर तशरीफ लाए तो वो बाकी काम हो चुके जो सूरह बनी इसराइल के शुरू में हैं, तो आखिर में जो होना है उसका जिक्र कर दिया, उसकी पेशनगोई कर दी। एक वक्त आएगा तुम वापस आके यहाँ पे आबाद होगे, जे ना बेकुम लफीफा, हम तुम्हें वापस लपेट कर ले आएंगे यहाँ पर, लेकिन ये आखिरी वादे का वक्त होगा। वो क्या है वो बाद में मैं बताऊँगा, अभी आपके सामने ये बातें कुरान मजीद से आ गई। अब आ जाएँ ज़रा थोड़ी सी तारीखी तनाजुर में देख लें, ज़्यादा ज़रा तफसील देखनी हो, मेरा परसों एक लेक्चर हुआ है बुध वाले दिन, उसमें मैंने ज़रा ज़्यादा तफसील बयान कर दी, फिर आखिर में टाइम कम रह जाता है। आज मेरा ख्याल ये है कि ये वाला हिस्सा ज़रा जल्दी से गुजार दूँ ताकि वहाँ जो कम रह गया था उसको यहाँ पे पूरा कर लूँ। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात यह है कि जद्द अमजद कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ के रहने वाले हैं? वो रहने वाले हैं इराक़ के, नमरूद इराकी, वहाँ के रहने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब वो वहाँ से हिजरत की, उन्होंने आके शाम में डेरा डाला। शाम, उस ज़माने का शाम या हुजूर के ज़माने का जो शाम है उसमें आज का शाम भी है, उर्दन भी है, लबनान भी है, फ़लस्तीन भी है और इसराइल भी है। ये पांच मुल्क उस दौर का एक शाम है। शाम में आ गए यानी यरूशलम में आ गए, यहाँ 100 साल रहें, ये गिनते रहिएगा कितने साल रहें, 100 साल रहें, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल रहें। पाँच, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरी नस्ल है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम तीसरे, और चौथी नस्ल है यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो वहाँ से ये चले गए हैं मिस्र, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में सारे अब औलादें भी और वालदेन भी सारे चले गए, मिस्र चले गए, जगह खाली कर गए। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो यहाँ सन ऑफ द सॉइल रहते थे, जब वो गए तो ज़मीन उन्हीं के पास रह गई, ये चले गए। जब ये चले गए
वहां पे ये कम से कम 300 साल रहे, उसमें अगर सरायती का भी कुछ अरसा शामिल कर लें ये 350-400 साल कर लें, ये इनका दौरानिया है जिसमें कि ये यानी आके 100 साल टप्पा खा के उठ गए और फिर 400 साल के बाद इनकी वापसी हुई है। और इस दौरान ये फिर वाकया हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेके फिरौन से निकले वापस, और जब वो सरायती में आए तो वहाँ पर उन्हें किताब दी गई जिसका इस सूरह मुबारक के शुरू में जिक्र है, व जालना ले मूसा वो जालना हुदल ले बनी इसराइल, उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हदायत बनाया, दी मूसा को हदायत बनाई बनी इसराइल के लिए, मिली कोए तूर पर, कोए तूर न मिस्र में है न शाम में है, इन दोनों के दरमियान सरायती में। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि वो जो अर्ज़ मुकद्दस है वहाँ जाकर तुम रहो और ये जो मैंने अहकाम दिए इन पर अमल करो। वहाँ पर उस वक्त के फ़लस्तीनी आबाद थे, तो इन्होंने कहा ये तो बहुत जब्बार लोग हैं, इनसे हमें बहुत डर लगता है। ज़ाहिर है आज अगर डरते हैं तो उस वक्त तो एटम बम भी नहीं था, ज़्यादा डरते थे, अमेरिका भी नहीं था पीछे, बरतानिया भी नहीं था। तो उन्होंने कहा इन्ना फ़ीहा कौमन जब्बारीन, वहाँ बड़े जब्बार लोग रहते हैं और हम हरगिज़ वहाँ नहीं दाखिल होंगे जब तक कि वो वहाँ पर रहते हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा ज़िद की, कुछ और लोगों ने भी कहा, तो उन्होंने साफ चिट्टा कह दिया फ़ज़ा बनता व रब्बो का फ़कात ला इन्ना हा उना कायदून, तुम्हारा रब जाके लड़ो, हम यहाँ पे बैठे हैं। क्या कहा? हम नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? रब और तुम जाके लड़ो। और बैठे होने का क्या मतलब है? वापस मिस्र नहीं जा रहे, यहाँ बैठे हैं, बैठने यानी इंतज़ार में बैठे हैं। जब हमें BBC से खबरें मिलेंगी कि तुम जीत गए हो तो फिर हम भी कदम बढ़ाओ मूसा, हम तुम्हारे साथ हैं, नारे लगाते हुए पीछे इंशाअल्लाह ताला मिठाई खाने के लिए हाजिर हो जाएंगे। लड़ाई बड़ाई का काम हमसे नहीं होता, ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, आप जाओ और जाके लड़ो, हम यहाँ पे बैठे हैं यानी इंतज़ार में बैठे हैं, जब खबर आएगी तुम्हारे जीतने की तो हम वाले हाना जो है आ जाएंगे जश्न मनाने के लिए और ईद मनाने के लिए, वो हम दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा 40 साल अब यहीं पर जलील हो, अब तुम्हारे लिए वो ज़मीन हराम कर दी गई है 40 सालों तक। इस दौरान मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम का जो इंतकाल हो गया, उनके शागिर्द थे यूशा इब्ने नून, उनकी क्यादत में जंग की, अल्लाह ने फतह दे दी, फतह हुई, लेकिन इन्होंने 12 हुकूमतें कायम कर ली। आप हैरान ना हो 12 क्यों कायम कर ली, आज हम मुसलमानों ने 58 कायम की हुई हैं, तो उन्होंने 12 कायम कर ली, तो हमसे तो बहरहाल बहुत थोड़ी कायम की, तो उन्होंने 12 कायम कर ली। और अब ज़ाहिर है जैसे आज हम कमज़ोर हैं तो वो भी कमज़ोर हो गए, कमज़ोर हो गए तो फिर कभी एक को कभी दूसरे को उन्होंने मारना शुरू किया, ये जो सन ऑफ द साइल थे, और एक एक करके उड़ाना शुरू किया, यहाँ तक कि एक वक्त आया कि सब बनी इसराइल को वहाँ से फिर निकाल दिया। ये बड़ा मुख्तसर दौर है जिसमें ये यहाँ पे रहे और इसके बाद उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया। आज से 3000 साल पहले का ये वाक़या है, 3000-3500 साल पहले का, और वहाँ से बेदखल हो गए। जब बेदखल हो गए, इसका जिक्र सूरह बकरा में, अलम तर इलल लजीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन खजर अल मौत फकाल लहुमुल्लाहु मूतु सुम्मा अहयाहुम, ये वाकया हुआ और वो वहाँ से निकाल बाहर किए गए। जैसे आज मुसलमान महाजिर बनते हैं, उस वक्त बनी इसराइल महाजिर बने। उससे अगला फेज़ है कि जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हम अपना इलाका छीनना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, जहाद करना चाहते हैं, हमारे लिए सिपा सलार बनाएं, उन्होंने कहा चलो तालूत तुम्हारा सिपा सलार है, तो ये इस तरफ से फ़लस्तीनी कह लीजिए, उनकी तरफ से जालूत था। अब देखें ना, तिलकल अय्याम उदावेल वहाँ बैन नास उलट पुलट होते हैं, जालूत तालूत का मुकाबला हुआ, बीच में दाऊद अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने आके जालूत को कत्ल कर दिया, कत्ल दाऊद और जालूता, और दाऊद ने आके जालूत को कत्ल कर दिया। अब यूँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अर्ज़ मुकद्दस में पहली दफ़ा मरकज़ी हुकूमत कायम करने का मौका दिया, तालूत की क़्यादत में 16 साल। तालूत के इंतकाल के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 40 साल, उनके इंतकाल के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 40 साल, 96 बरस। ये हैं सन 1020 कबल मसीह से लेकर, तो 96 उसमें से निकाल लें तो ये कोई जो भी 924 वगैरह के कबल मसीह तक, ये वो दौर है कि जिसमें बनी इसराइल जो है वो उनकी दौर खिलाफत राशिदा कह लीजिए, गोल्डन ईरा उनका, ताकत सत्वत हर शय उनके पास, यमन तक हुकूमत कायम होगी ना, कौम सबा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इन्हीं की सल्तनत में शामिल हो गई, ग्रेटर इसराइल बन गया। और असल में ये इलाका मरकज़ रहा हमेशा ईस्ट वेस्ट ट्रेड का, सी पैक जो अब बना रहे हो तो ये तब हमेशा से है ना, मशरक और मगरब के दरमियान जितनी भी तजारत होती थी यमन और शाम, ये उसके दो किनारे थे और दरमियान में ये जो है ना रिखला तश्ता व सैफ, ये कुरैश के पास ये तजारत आई थी हुजूर की पैदाइश से 120 साल पहले,
451 कबले ईस्वी में वो जो सद्य मारिब है इनका जो बंद था वो टूट गया। ये कौम जो है सबा की ये हलाक कर दी गई और खला पैदा हुआ उसको कुरैश ने पूरा किया और वो ईस्ट वेस्ट ट्रेड उनके हाथ आ गई। तो ये गोया यहाँ पे खुशहाल कौम के तौर पे 100 बरस ये रहे। अब खुशहाली जब आती है तो साथ साथ आपको मालूम है कि बंदे के अंदर अटकेलियाँ खेलने का भी दिल करने लगता है। तंगदस्ती में खुदा याद आता है और खुशहाली में शैतान या शैतानी करतूत। लिहाजा ये फिर परवेज मुशर्रफ साहब की इस्तेलाह इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता रोशन ख्याल हो गए। ज़ाहिर है उनमें भी दानिश्वर पैदा हुए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि ये क्या तुम रवायतों के पीछे चल पड़े हो, ज़रा बंदे के अंदर कुछ रंगीनी भी होनी चाहिए, कुछ लताइफ भी होने चाहिए, कुछ जो है ना कुछ बंदा उछल कूद नाच गाना और ये कि ज़रा रंगीनी ये सारा कुछ हो जाए। तो वो फिर हो गया। तो जब हो गया ताउस और रबाब अव्वल हो गए और शमशीर और सना आखिर हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये जो ये लोकल्स थे इनको मुसल्लत किया और दो सल्तनतों में से एक सल्तनत 721 कबले मसीह में उड़ गई, ख़त्म, जैसे हमारा बांग्लादेश हो गया। उसके तकरीबन यूँ 721 में के बाद 587 ये कोई 130-135 साल जो थे, इसके बाद फिर इराक का बादशाह जो आज का नमरूद था यानी उस वक्त का जो नमरूद था बुख्त नसर, उसने हमला किया यरूशलम पर। क्यों किया होगा सोचें, वही ईस्ट वेस्ट ट्रेड का मसला है। उसने हमला किया और 12 लाख का शहर था, 6 लाख को गुलाम बनाया, 6 लाख को कत्ल कर दिया, एक आदमी बाकी नहीं छोड़ा। तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी जन्नत से आई थी वो बर्बाद हो गई, नहीं मिली, फिर उस दिन गायब हुई, फिर आज तक नहीं मिली। और तौरात के अलावा जनाब वो ताबूत सकीना उनका एटम बम, आज हमारा जो डेट्रेंट्स है तो उनका वो था, उसे जब आगे रखते थे फतह होती थी, वो गायब हो गया, वो उसने तबाह कर दिया। जो मस्जिद बनाई थी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो गिरा दी गई, हैकल गिर गया, दोबारा वो जो है उस नहीं उसका कोई ईंट बाकी नहीं छोड़ी गई। ये कुरान बता रहे हैं, युतब्बरु मा लाउ तदबीरा, हर बुलंद शहर को पटख दिया उन्होंने, कोई शह बाकी नहीं छोड़ी, और शहर की गलियों में घुसने का मतलब है घरों में घुस गए। तो ये तबाही बर्बादी फिरी उस शहर की जो मुकद्दस सरजमीन पर वाकई था, यही यरूशलम, आज वाला यरूशलम ही, इस यरूशलम के अंदर उस वक्त के मुसलमानों का खून यूं अर्जा हुआ और यूं जिल्लत व मस्कनत से दो चार हुए और एक मुशरिक बादशाह आके सबको गुलाम बना के ले गया। इसके बाद एक नबी आए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, उन्होंने देखा शहर वीरान तबाह, उनकी ज़बान से अल्फाज निकले अन्ना युखी हाज़िल्लाहु बादा मौतिहा, इस शहर को अल्लाह इस तरह बर्बाद होने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ने 100 साल के लिए सुला दिया, 100 साल के बाद उठाया, पूछा कम लबिस्ता किन्ना सुते आए, उन्होंने कहा जनाब लबिस्तो यौम मनाओ बाज़ा यौम, एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा सोया हूँ, उन्हें इतना पता लगा। काला बल लबिस्ता मैं आता आमीन, अल्लाह ने फरमाया 100 साल सोयो, और उसके बाद फिर उन्हें भेजा, उन्हें यकीन हुआ कि भाई ये कौम भी ज़िंदा हो सकती है। उन्होंने जाके मेहनत की, कौन सी मेहनत, ईमान की मेहनत, यानी तुम नाम के मुसलमान हो हकीकत में मुसलमान नहीं हो, ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं है, उसकी मेहनत की। उसके नतीजे में कोई 35-36 पहली दफ़ा आए, फिर अल्लाह ने दुनिया के हालात तब्दील किए, ईरान के बादशाह ने उस वक्त का जो ईरान था उसका जो बादशाह था के खौरस या साइरस, उसने हमला किया इराक पर और बुख्त नसर को शिकस्त दी, और उसके बेटे के दौर में जो है इनको इजाज़त मिल गई कि ये जाके वापस अपना शहर आबाद करें। नई सल्तनत की इब्तिदा हुई और 198 कबले मसीह तक ये एक अजीम मक्काबी सल्तनत की सुपर पावर उस वक्त की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। लेकिन फिर जब ताकत आई, फिर जब दौलत आई, तो वही नखरे भी आ गए। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, तो खुदा जब दौलत देता है बदमाशी आ ही जाती है, तो वो फिर बदमाशी फिर आ गई, और जब फिर बदमाशी आई तो फिर ठुकाई हुई और फिर मुशरिकों से हुई, लेकिन अब मुशरिक रूम के थे, सल्तनत रूमा कौन सा, वही सीज़र कैसर, अब वो इनके ऊपर टूटे हैं, यके बाद दीगरे टूटे हैं। बहरहाल 63 कबले मसीह में ये सल्तनत गुलाम हो गई मुशरिकों की, मुसलमान जो थे यरूशलम के वो गुलाम हो गए किसके, रूमियों के जो मुशरिक थे। यहाँ से फिर दरमियान में तकरीबन देखें 63 कबले मसीह यानी उसके 63 साल के बाद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की आप पैदाइश हुई हैं, आप मौजाना तौर पर पैदा हुए यानी आपके वालिद ही नहीं हैं, आप मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे,
आप लोगों के सामने गारे का परिंदे की शक्ल बना के उसे फूंकते थे, वो उड़ता परिंदा बन जाता था। आप बता देते थे कि क्या खा के आए हो, आप बता देते थे घर में क्या छोड़ के आए हो, यानी आप देखें किस तरह की निशानियां। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन जिंदा करने की कोशिश वाला करने वाला जो अल्लाह के पास से आया था, उसे अपनी दीन की समझ के मुताबिक काफिर करार दिया। यानी 1500 सालों में ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के 1400 साल के बाद आए। आज हमें भी हुजूर से 1400 साल गुजर गए हैं। 1400 सालों में जो फ़र्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि नबी का दीन कुफर मालूम होता है और ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें काफिर मालूम पड़े और उनकी शरई अदालत ने, पता नहीं वफाकी थी या सूबाई थी, लेकिन जो शरई अदालत थी उसने ये फैसला दिया कि ये शख्स जो है काफिर है, काफिर जो मुर्तद हो गया है, मुर्तद वाजिबुल कत्ल है, लिहाजा इसे सूली चढ़ाया जाए। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक वो सूली चढ़ा दिए गए और ख़त्म हो गए। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक वो सूली चढ़ाए गए, फोत हो गए, फिर जिंदा किए गए और आसमान पर ले जाए गए। और हमारे अकीदे के मुताबिक वो सूली चढ़ाए ही नहीं गए, अल्लाह ने उन्हें उससे पहले ही आसमान पर उठा लिया। और सूली जो शख्स दिया गया है वो मुखबर था कि जिसने उनकी मुखबरी की थी, अल्लाह ने उसकी सूरत हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम वाली बना दी थी और उन्होंने ये समझ के कि ये मसीह है उसे सूली चढ़ा दिया। इसलिए कुरान ने कहा वलाकिन शुब्बिया लहुम, इन्हें शुबा लायक हुआ है, इन्होंने चढ़ाया किसी और का, और को है समझा किसी और का है, उसको अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था। कौन? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम। उसके 70 साल बाद, अब देखिए रसूल का इनकार कोई थोड़ी सी बात तो नहीं होती, कत्ल नहीं कर सके एक अलग बात है, कत्ल करने में कसर तो कोई नहीं छोड़ी, तो अल्लाह तो नीयतों से वाकिफ है, इरादों से वाकिफ है, लिहाजा रसूल के बारे में इस तरह का सोचना दर हकीकत अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करना है। ये डेथ वारंट के ऊपर दस्तखत होता है। जिस कौम ने भी रसूल को कत्ल करने की सोचा, अल्लाह ने उसे नहीं छोड़ा सवाय बनी इसराइल के, उन्हें क्यों छोड़ा वो एक अलग कहानी है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन साफ नहीं छोड़ा। फौरी किस्त अजाब की उसी वक्त आई है, 70 ईस्वी में आई है, और ये आई है फिर टाइटस रूमी के हाथों। अब ये क्या मसला हुआ, पॉम्पियाई ने आके फतह किया, खराज दे रहे थे, तो ये टाइटस को हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये मसला ये हुआ कि उनकी गैरत भी जागी, ईमान की गैरत नहीं जागी, कौमी गैरत जागी। मुसलमान कौम भी तो बन जाते हैं ना, तो वो तो थे ये कौम बनी इसराइल, तो वो कौमी गैरत उनकी जागी। उन्होंने कहा हमारे ऊपर मुशरिक हुक्मरानी करें, जहाद करेंगे, जहाद किया, और जहाद किया तो फिर अगलों ने तुन के रख दिया। 1,33,000 एक दिन में कत्ल हुए, 6-7 महीने जंग हुई, लेकिन बहरहाल जिस दिन फौजें दाखिल हुई यरूशलम, यही यरूशलम, एक दिन में 1,33,000 यहूदी कत्ल किए गए। बड़ी तादाद में जो जवान थे, खासतौर पर खूबसूरत औरतें थी, उनको वो ले गए कैदी बना के, गुलाम बना के। ये मगरब वाले नहीं कहेंगे, ये उनके करतूत हैं, ये सल्तनत रूमा के काम है जो उसने किए हैं और इसी यरूशलम शहर में किए हैं। ये जुल्म और बर्बरियत का बाजार उन्होंने गर्म किया है। ये हुआ तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती हुई है, ये शहर यहूदियों से खाली था, यहाँ पे कब्जा किसका था? रूमियों का था। लेकिन इस दौरान एक फर्क पड़ चुका था, ये सारे रूमी ईसाई हो गए थे, यानी निकाला कब? 70 ईस्वी में। उस वक्त क्या थे? मुशरिक थे। उसके 230 सालों बाद, सन 300 में, ये सारी सल्तनत रूमा क्रिश्चियन हो गई। तो जब हुजूर की बेइज्जती हो रही है ये 610 के आसपास, तो उस वक्त ये सारे क्रिश्चियन थे, यानी यरूशलम ईसाइयों के कब्जे में था, मुसलमानों ने यहूदियों से नहीं लिया है। मदीने में 3 कबीले यहूदियों के जरूर आबाद थे, जो शरारतों की वजह से वहां से निकाले गए, बगावत करने पर, गद्दारी करने पर निकाले गए, लेकिन ये कि यरूशलम में यहूदियों का कोई कबीला आबाद नहीं था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती हुई है, यरूशलम ईसाइयों के पास था। उसके बाद अगली बात क्या हुई? अगली बात यह हुई, हुजूर को वहाँ जाके नमाज पढ़वाई गई तमाम अंबिया से, जो आप मेराज पे गए, ये अलामत थी कि दर हकीकत अब ये मरकज़ तौहीद का, जो इब्राहिम से नस्बत रखता है, नस्बत इसकी मरकज़ की किससे? इब्राहिम से है। जिसकी नस्बत इब्राहिम से है, उस इब्राहिम के करीब तरीन जो है, इन्ना औलन्ना से बे इब्राहिम, इब्राहिम के करीब वो है, आज़म नबी, ये नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वल्लज़ीना माहु, जो इनके साथी हैं वो हैं, उनको जो ईमान वाले वो हैं उस इब्राहिम के करीब। लिहाजा इब्राहिम के कायम करदा उस मरकज़ के जायज़ वारिस भी मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, इसलिए जाके उन्होंने नमाज़ पढ़ाई वहाँ। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना। तो ये एक मामला हुआ, लेकिन बिलफ़ैल बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के दस्तरस में आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। और ये बहुत एक लतीफ़ बात है, ज़हन में रखिएगा, अगरचे के मुसलमानों ने हमला किया, अगरचे के यरूशलम को घेरे में ले लिया था, लेकिन यरूशलम ईसाइयों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख कर बग़ैर लड़े उसकी चाबियाँ हज़रत उमर के हवाले की, क्योंकि उनकी किताबों में पेशनगोई थी कि वो आखिरी जो रसूल नबी उम्मी आएंगे उनके जो खुलफा होंगे इस निशानी का हामिल होगा, उसको आपने ये चाबियाँ देनी हैं। ये जो मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कुरान मजीद में हुजूर की तो जिक्र है ही, जजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ये यहूदी और ईसाई अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाएंगे उस रसूल नबी उम्मी को, उसकी निशानियाँ लिखी हुई हैं। लेकिन यही नहीं है, सूरह फतह के आखिर में फरमाया ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, उनके जो साथी हैं उनकी मसालें भी तौरात और इंजील में मौजूद हैं। तो जो तौरात के हकीकी आलम थे, जो इंजील के हकीकी आलम थे, वो जानते थे कि इस मरकज का भी इख्तियार आखिरी नबी को दिया जाएगा, लिहाजा उन्होंने सरेंडर किया है और रजाकाराना तौर पर किया, बगैर लड़े किया है। तो मुसलमानों ने हासिल यहूदियों से नहीं किया। आजकल कुछ दानिश्वर गलतफहमी फैला रहे हैं कि मुसलमानों ने यहूदियों से छीना, मुसलमानों ने यहूदियों से नहीं छीना, यहूदियों से छीना था मुशरिकों ने, वो मुशरिक बाद में ईसाई हो गए, उन ईसाइयों ने रजाकाराना तौर पर ये मुसलमानों के हवाले कर दिया। अब आपको एक बात नज़र आएगी कि यार ये फिर सलीबी कौन थे, ये सलीबी एक अलग मखलूक है, हैं ईसाई, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए हम मुसलमान हैं, हम सारे मुसलमान एक जैसे, हाँ हम मुसलमानों में वो भी हैं जो अल्लाह वाले हैं, हम मुसलमानों में वो भी हैं जो कंपनी वाले हैं, तो हर किस्म के मुसलमान होते हैं, कोई अंग्रेज़ के एजेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी जो ईसाई थे उनमें एक ग्रुप वो था जो सल्तनत रोमा के जो आलमी जो एजेंडा था उसके लिए मज़हब को इस्तेमाल करना, ये क्रूसेडर्स जिनको कहते हैं, ये सल्तनत रोमा के यूँ समझिए कि वो थे एजेंट कह लें, रूप बैरूप मज़हब वाला, लेकिन ये सरकारी खाता था। तो जो मज़हबी रासिखुल अकीदा ईसाई थे उन्होंने तो चाबियाँ दे दी मुसलमानों को, लेकिन जो सियासी एजेंडा रखने वाले ईसाई थे ये वो क्रूसेडर्स बन के आए जो मुसलमानों के साथ फिर लड़ाइयाँ लड़ते रहे। ये सलीबी जंगें उन ईसाइयों के साथ हुई हैं जिनका सियासी एजेंडा था या जो बादशाहों के पेरोल पे थे। यहाँ से एक लंबी तारीख है, मैं उससे छलांग लगा रहा हूँ और आ रहा हूँ आज से 400 साल पहले यूरोप, उससे पहले यूरोप डार्क एज में था, अब यूरोप की तरक्की का दौर जिसे वो रोशन ख्याली का दौर कहते हैं, जिसे याए उलूम का दौर कहते हैं, ये शुरू हुआ, आप उसे साइंस और टेक्नोलॉजी के उरूज का दौर कह लें, सनती इनकलाब कह लें या यूरोप के पावर में आने का दौर कह लें, लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ है इसके पीछे सोच किसी और की है। हम कहते हैं यहूदी की सोच है, लेकिन यहूदी ना कहें, अब यहाँ से एक फ़र्क कर लें, यहूदियों के दो हिस्से कर लें, जैसे मैंने आपको बताया ईसाइयों के दो हिस्से करके बताया, ऐसे ही मैं आपके सामने यहूदियों के दो हिस्से रखना चाहता हूँ। एक वो यहूदी हैं जिन्हें आज भी आप देखते हैं वो लंबी लंबी दाढ़ियों वाले हैं, वो देख के बंदा पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये अभी चिल्ला लगा के तबलीगी जमात के साथ आए हैं या कौन लोग हैं, इतने इंतहाई परहेजगार नज़र आने वाले और वो जो है ना वज़ाकता में जो है वो बिल्कुल फरिश्ते मालूम होते हैं, तो मतलब जाहिदान बहुत ही जाहिद परहेजगार मालूम होते हैं। एक वो यहूदी हैं, वो इस रियासत के अमीर नहीं हैं जो इस वक्त कायम है, एक यहूदी और हैं जिन्हें अशकनाज़ी यहूदी कहते हैं, 13th ट्राइब है, इनका ओरिजिन ही सामियों नस्ल, ये सामियों नस्ल नहीं है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं है, ये याफिस की नस्ल से हैं, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे जाके बाकियों के साथ मिलते हैं, उससे नीचे मिलते ही नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे थे, हज़रत हाम, हज़रत साम, हज़रत याफिस। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है हज़रत साम की नस्ल से हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी नस्ल से हैं, लेकिन ये जो हैं ये जो अशकनाज़ी यहूदी हैं
ये अशकनाज़ी यहूदी हज़रत साम की नस्ल ही से नहीं, तो ये इनके साथ जाके हमारी रिश्तेदारी जाके नूह अलैहिस्सलाम पर कायम होती है आज से कोई 8000 साल पहले, उससे नीचे कहीं जुड़ते ही नहीं। लेकिन ये बन क्या गए जी, इन्होंने कहा जी हम यहूदी हैं। असलन ये कौन है? असलन ये जो इस वक्त बरतानवी हैं, जो ऑस्ट्रेलियन हैं, जो न्यूजीलैंड में हुक्मरान हैं, जो जनूबी अफ्रीका में हैं और जो अमरीका में, इनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वास्प, WASP। क्या मतलब है? वाइट चिट्टे एंग्लो सैक्सन, ये ख़ास जो है ना इलाके की, यानी ये तुर्क नस्ल भी कहते हैं इनको, और ये कि ये मशरकी यूरोप के इलाके के ये लोग हैं। ये ख़ास तौर पे ये जो है ना बोरा खिज़र, इसके ऊपर जो एक इलाका है कोकेशिया, या जिसे हमारे यहाँ परियों का देश कोकाफ, उससे पार जो है ना ये जो सहरा था वहाँ के ये रहने वाले हैं। इन्हें अशकनाज़ी कहते हैं, खजारियन भी कहते हैं। यही नस्ल है जो बरतानिया में जाके ईसाई हो गई है, और यही नस्ल है कि जो यहूदी बन गई है। नस्ल ओरिजिन पीछे से एक है, ये सामियों नस्ल नहीं है। नीली आँखों वाले और चिट्टे गोरे, वाइट एंग्लो सैक्सन, जो ईसाई हो गए वो प्रोटेस्टेंट हैं। अब आप सोचिए, ईसाइत के अंदर जो चले आ रहे था वो कैथोलिक चर्च था, उसमें एक इख्तलाफ हुआ ऑर्थोडॉक्स, वो जो रशिया वगैरह में, ये सारे रासुखुल अकीदा हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, ये तो बागी गुरो है, ये मजहबी है ही नहीं। सूद इन्होंने शुरू किया, ईसाइत में सूद हराम, यहूदियत में सूद हराम, ये किधर से आ गया? ये प्रोटेस्टेंट ने आके शुरू किया। इनका एक एजेंडा मुश्तरक हो गया प्रोटेस्टेंट ईसाई का और ये जो अशकनाज़ी यहूदी है इनका, वो उसे कहते हैं सहूनियत। सहून एक चिटान है यरूशलम में, उसकी बुनियाद पर वो एक अलहदा अपनी रियासत का उसे उन्वान बनाते हैं, यानी एक सहूनी रियासत कायम करना पूरा, ये जो यानी जिस ग्रेटर इसराइल तक का जिस जो मंसूबा है, ये दो लोगों का मंसूबा है, दो कौमों का मंसूबा है, एक जो वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स हैं और दूसरे जो ये अशकनाज़ी यहूदी हैं। ये जो वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स हैं, इनको जो है ना वो ईसाई सहूनी भी कहा जाता है, यानी ये जो है ना ये सहूनी हैं और वो ईसाई सहूनी हैं। और बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि इतना यहूदियों को सहूनी रियासत बनाने का वो शौक़ नहीं है जितना प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को है। इसलिए बरतानिया, अमेरिका, ये सारे ममालिक इन यहूदियों का जो है वो करते हैं तआवुन और साथ देते हैं। ये एक पिक्चर है। पिक्चर दूसरी इसका दूसरा साइड क्या है? दूसरी साइड यह कि तारीखी तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो सियाने लोग होते हैं, बहुत सियाने लोग ऊपर जो होते हैं टॉप पे, वो मज़हब को बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं अपनी माश के लिए। खाना काबा में बुत रखे हुए हैं, शिरक का निज़ाम है, अवाम के लिए बुत हैं, उनको अलवे दो, चढ़ावे चढ़ाओ, सब कुछ है। कुरैश के लिए कमाई का ज़रिया है, उन बुतों को आके जो खिलाया पिलाया जाता है, जो हलवे मान रहे दिए जाते हैं, जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, बुतों उनमें से कुछ नहीं खाते, वो किधर जाता है? कोई अबू लहब के पास जाता है, कोई किसी और के पास जाता है। ये सारी अब माशी जो सिलसिला चलता है, यूनि बुतों के सहारे चलता है, पूरी माश बुतों के ऊपर खड़ी है। तो जिसे आप आजकल रूलिंग इलीट कहते हैं, या पावर इलीट कहते हैं, या रूलिंग क्लास कहते हैं, वो मज़हब को बतौर टूल इस्तेमाल कर, इसलिए वो मार्क्स ने कहा था ना कि मज़हब तो अफ्यून है, कि ये आवाम को पिला के तो फिर उनको उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमेशा मज़हब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये ईसाइयों को भी और यहूदियों को भी दरहकीकत चूना लगाया गया है। असल में जो ये अशकनाज़ी यहूदी हैं और वाइट एंग्लो प्रोटेस्टेंट्स हैं, ये दरहकीकत पूरी दुनिया पर अपना माशी तसल्लुत कायम करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने इस इलाके को मरकज़ बनाया। ये दुनिया का मरकज़ है, और अभी आपको सी पैक के हवाले से ये समझ आएगी कि कितना बड़ा मरकज़ है। नील के साहिल से लेकर ताबा खां के काशगर, उसका एक सिरा अगर ये पाकिस्तान के जो है ना ये शुमाल में है, तो दूसरा सिरा जो है ना वो ये जो मशरक़ वस्ता है, यहाँ जाके पूरे नील के साहिल से लेकर ताबा खां के काशगर, तो वहाँ उन्होंने आके अपना एक बेस कैंप बनाया है। उस बेस कैंप को उन्होंने एक सहूनी रियासत का मजहबी लबादा चढ़ाया है, असल में उनका मोर्चा है।
लिहाजा उनकी जिंदगी मौत का मसला है इसराइल को कुछ होना, ये उनके अपनी जान पर मौत, उनका पूरा माशी प्लान जो है तय और बाला हो जाने की निशानी है। बहरहाल उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने 1917 में लाके इन ईसाइयों ने दोबारा इन यहूदियों को यहाँ पे आबाद किया। उससे पहले ये यहाँ पे आबाद नहीं, कब से नहीं थे, 70 ईस्वी से नहीं थे, 1917 तक नहीं थे। अच्छा, अब आप अगर हिसाब कर लें तो कोई गलत नहीं होगा, हम हिसाब करते हैं 100 साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर तक हो गए, 50-60 साल वो लगा लें जो बीच में एक ईरा आया है, चले 100 लगा लें, 200 साल हो गए। उसके बाद जनाब ये 1020 से लेकर 587 तक लगा लें, ये कितना हो जाएगा, 500-600 साल, ये लगा लें 700 साल हो गए। अच्छा, 198 से चलें, उसको भी पीछे 450 से कर लें, 450 कबले मसीह वो और 70 आगे और जोड़ लें, 500 ये जोड़ लें, तो कितने हो गए जी, 1200 साल। 1200 साल कुल बनते हैं इनके जो इस इलाके में रहे, और ये जो फलस्तीनी हैं ये इनके यहाँ आने से पहले से वहाँ पे रहते हैं, और इन्होंने कोई हिजरत कभी भी नहीं की, ये हमेशा से यहाँ पे रह रहे हैं। तो अब हमारे अगर लिबरल सेकुलर जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो अगर सन ऑफ द सॉयल ही को बुनियाद बनाते हैं तो ये जो यहूदी हैं ये महाजर हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। जो अशकनाजी यहूदी हैं वो तो सामियों नस्ल ही नहीं है, उनका क्या हक बनता है यहाँ पे, यहाँ अगर हक बनता है तो फलस्तीनियों का बनता है। नंबर दो, अगर आप तारीख के तनाजुर में देखें कि इस इलाके में ज़्यादा अरसा कौन रहा, तो चलें पिछले 4000 साल की तारीख ही अगर आप उठा लें तो इसमें यहूदियों के यहाँ पे रहने का या बनी इसराइल के, बनी इसराइल की अपनी तारीख याकूब अलैहिस्सलाम से ही शुरू होगी ना, उससे पीछे से तो नहीं शुरू हो सकती, तो पहले 100 साल निकल जाएंगे, पहले 100 साल निकल जाएंगे, क्योंकि वो तो फिर बनी इसराइल नहीं है, वो तो इब्राहिम की औलाद है, याकूब की औलाद से शुरू करेंगे। तो इस सारे के बावजूद इनके कुल यहाँ क्याम की तारीख जो बनती है 1000 साल बमुश्किल बनती है, 4000 सालों में से सिर्फ 1000 साल, एक चौथाई हिस्सा है जो वो यहाँ पे रहें, बाकी 3/4 कोई और रहा ये नहीं रहे, इस बुनियाद पर भी आउट। अच्छा, अब आगे की नाइंसाफ, यानी ये दो नाइंसाफियाँ आपको नजर आ गई, आगे चलें। 1948 में रियासत बनी है इसराइल, ये वाली इसराइल जो अब इसराइल है, कब बना, 1948 में बना। आबादी कब शुरू हुई, 17 में, 1917 से लेके 1948 तक कितने साल हुए, 31। इन 31 सालों में कुल रकबा जो यहूदियों के पास आया, जो हमारे दानिश्वर कहते हैं कि फलस्तीनियों ने ज़मीनें बेची, यहूदियों ने महंगे दामों खरीदी, उन्होंने पैसे की खातिर बेच दी, रिकॉर्ड मौजूद है, जाके चेक कर लें, अक्वामे मुत्तहिदा की वेबसाइट से भी मिल जाएगा आपको। उस वक़्त तक यहूदियों के कब्ज़े में कुल ज़मीन 7% थी फलस्तीन की, 93% के मालिक फलस्तीनी थे। अब आप ज़रा अक्वामे मुत्तहिदा के इंसाफ का अंदाज़ा लगाएं, 93% वाले उनकी रियासत नहीं है, जिनकी 7% थी उनकी रियासत बन गई। और अपने इन दानिश्वरों की बेईमानी का अंदाजा लगाएं, और ये जमीनें तो उन्होंने खुद बेची थी, और इतने बेगैरत तो हर माशरे में होते हैं। आज हो सकता है अमेरिका में आप जाकर कोई पाकिस्तानियों की जमीन का अंदाजा लगाएं तो 2-3% अमरीका की जमीन भी पाकिस्तानियों की निकल आएगी। तो चले एक आधा सा इसराइल आप वहां में बना के दिखाएं ना, तो ये बात समझ लीजिए कुल 7% इनके थी। उससे आगे क्या हुआ, वो 7% आप कह सकते हैं कि उन्होंने खरीदी, लेकिन आगे क्या हुआ, जब रियासत बन गई, अब जनाब कोई खालिद महमूद अब्बासी साहब किसी साकिब निसार साहब की अदालत में जाके दरख्वास्त देते हैं कि वो मेरे जो वो फलाना प्लाट है 10 कनाल का, वो मेरे अब्बे के अब्बे के अब्बे का, वो जो 4000 साल पहले मेरा अब्बा वहां पर रहता था वो उसका था, कागजात डायस्पोरा में गुम हो गए हैं, डायस्पोरा गुजरे ना, वो कागजात गुम हो गए, मैं हल्फ खा के कहने को तैयार हूं कि मेरे अब्बे के अब्बे के अब्बे के अब्बे का था। वो साकिब निसार साहब के, ये बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, ये आपके अब्बे के अब्बे के अब्बे के अब्बे के अब्बे का था, ईसाई वो फलस्तीनी बार, और ये अब्बे के पोते का पोते का पोता, हाँ हूं ना, ये यहां पर आके बैठ जाए। इस तरह की अदालतें लगी, ये पाकिस्तान में अदालतें पहली दफा नहीं लगी, इससे पहले इस तरह की अदालतें इसराइल में लग चुकी हैं। उस तरह करते करते उन्होंने फलस्तीनियों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया। 67 में फिर इन्होंने क्या कहते हैं, जैसे कभी बनी इसराइल ने रूमियों के ख़िलाफ़ बगावत की थी तो अरबों ने भी कहा चले हम भी सैर करें कोई तूर की, सारे अरबों ने मिलकर इसराइल पर हमला किया, 6 दिनों में सबको उसने फारिग कर दिया, और ये यरूशलम भी सारा कब्ज़े में कर लिया, बैतुल मक़दस भी कब्ज़े में कर लिया,
ये वेस्ट बैंक वगैरह सारा जो है ना उसके कब्जे में चला गया। 73 में एक और हमला किया, शुरू में तो चढ़ गए उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद जब उसने पासा पलटा है तो ये जोलान भी, इनके गोलान जिसे आप कहते हैं, ये भी शाम के हाथ से चला गया। उर्दन भी आधा तशरीफ ले गया। अच्छा, ये सराय सीना मिस्र से सारा उसने छीन लिया। मैं ये आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, आज हम कहते हैं चढ़ जाओ बच्चा शाबाश, सऊदी अरब हमला कर दो, इराक साहब हमला कर, भाई इससे ज़्यादा ताकतवर थे अब तो सारे मरे पड़े हैं, अब शाम में क्या जाने, अब इराक में क्या रह गया है, बुरकस निकाल चुके हैं उसका, उससे पहले इनमें से किसी में कोई, उर्दुन क्या करेगा, लबनान क्या करेगा, आप कहते हैं हमला करो। हालत ये है, जब सारे जान में भी थे तो हमला किया तो मुंह की खाई है, हो चुके हैं आप, यानी बड़े अरबों ने गरज दिखाई, पूरे वेस्ट का तेल बंद कर दिया, कोई तेल नहीं देंगे जी, आपने ये इसराइल की हमायत तर्क नहीं की तो, उन्होंने कहा ना दो तेल, पहले तुम्हारी ठुकाई तो कर लें फिर तेल का बाद में देखें, तेल भी दिया, सब कुछ किया, देना पड़ा। तो भाई कमजोर का क्या है, दुनिया में आपका कुछ नहीं है, हम रुखसत हुए और उन्हें संभाली दुनिया, फिर ना कहना हुई तो ईद से खाली दुनिया, आज जिनकी दुनिया है उनका कब्जा है। ये मैंने कुछ आपको जाहिरी आवाज बताया, ये असल में निशानी कुरान की पूरी हो गई, जे ना बेकुम लफीफा, आ गए ना वापस, वापस ले आएंगे, अल्लाह ले आया। अब मैं चाहता हूं कि आपके सामने ये बात रखूं कि ये जो अल्लाह ताला ने इनको छोड़े रखा, ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जब इन्होंने अपने बस पड़ते सूली दिया, उनको जुर्म किया तो उसके बाद ये हलाक किए जाने चाहिए थे, छोड़े क्यों रखा, एक ही सबब नजर आता है हमारे लिए छोड़े रखा क्यों। अब जरा अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपको आईना दिखाता हूं, मुझे इससे कोई नहीं है कि आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, मैं ये समझता हूँ आपका हक है मेरे ऊपर, आप मुझे सुनने आए हैं तो मैं जो कुरान मजीद से मेरी समझ में है वो आपके सामने रखूँ और बिना कम व कास्त रखूँ और बगैर किसी झिझक के रखूँ और बगैर किसी खौफ लौमत लायम रखूँ। कुरान मजीद जब नाजिल हुआ, जितनी निशानियाँ कुरान मजीद ने यहूदियों की बुरी आदतों की बयान की हैं वो आज सारी मुझे मुसलमानों में नजर आ रही है। पहली बात, तुम वो हो को जो नेकी के जाहिर को देखते हो उसकी रूह नहीं पूरी करते। आज रह गई रस्म आजा रूए बलाली ना रही, ये हमारे साथ है या नहीं है, अपनी कुर्बानियां ही देख लें हम किस, मतलब ये तो बहुत हल्की बात है। तुम वो हो जो कुछ दिन पर अमल करते हो और कुछ को छोड़ देते हो। अफा तो मैनू ना बेबाजिल किताब व तकफरू न बास, ये कौन थे, ये यहूदी थे। आज हम ऐसे नहीं हैं, हम झूठ बोल लेते हैं, हम रिश्वत खा लेते हैं, हम हरामखोरियाँ कर लेते हैं, हम नमाज भी पढ़ लेते हैं। अफा तो मैनू न बेबाजिल किताब व तकफरू न बेबास, अच्छा जब तुम ये करोगे तो क्या होगा। फमा जजाओ मैया फरजाल का मिन को मिल्ला खिजुन फिलयात दुनिया, अगर आधा तीतर आधा बटेर करोगे, यक रंग नहीं होगे अल्लाह की इताअत में तो दुनिया में जलील करूंगा और क्यामत के दिन सबसे ज्यादा शदीद अज़ाब में डालूंगा। वो यहूदियों से तो लड़े, अल्लाह से भी लड़ के जीत जाओगे। अगली बात सुने, यहूदियों के बारे में कुछ बातें आई हैं कुरान मजीद में, मैं बड़ी जबर करके आपको सुना रहा हूं और मुझे ये नहीं कि मैंने कोई पहली दफ़ा मेरे सामने आई है, मैं 20 साल से इन्हें रोक के रखा हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं सुनाऊँ लेकिन बहरहाल आज सुन ही लें। हम जहाद करते हैं, क्या जहाद करते हैं, पिछले 20 सालों का मुझे वो जहाद बताएं जो मैदान में खड़े होकर जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बदर में खड़े होकर सफ़ें बांध कर किया था किसी मुसलमान ने कहीं किया हो। आपने किस चीज़ का जहाद नाम रखा हुआ है, फौजियों के चलते ट्रक पर बम फेंक के भाग जाना, कोई डिवाइस लगा देना ट्रक उससे टकराए और फट जाए, ये जहाद है। आए मैं बताऊं ये काम यहूदियों का है। ला युकातिलूनकुम जमीयन, ये तुमसे कभी आमने सामने होकर दिल जमी से नहीं लड़ेंगे, इल्ला फी कुरम मुहसनतिन, कहीं छुपकर, औमी वराए जुदुर, या कहीं दीवार के पीछे से पत्थर फेंक के भाग जाएं, जैसे आज आप बम फेंक के भाग रहे हैं, यही जहाद आप कश्मीर में फरमा रहे हैं, यही जहाद आप फलस्तीन में कर रहे हैं, यही जहाद अपने साथ भी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। कहीं जम के, ये मेरा इलाका है, इस जमीन पर मैं किसी को नहीं आने दूंगा, इस तरह का कोई जहाद आपने, जैसे हुजूर ने मदीने का दिफा किया,
किसी ने किया हो इस तरह, ये हमारा इलाका है, ये टेरिटरी है, नहीं, ये वाला काम है, इधर वो पत्थर फेंक के इधर गुम हो जाओ, गुम किधर आओ, लोगों के अंदर, लोगों के अंदर गुम होने का क्या मतलब है? देखें ये बाहर से सड़क गुजर रही है, यहां अगर एक आदमी फायरिंग करके इधर अंदर घुस जाता है, वो चार फौजी तो मर गए, वो इलाका छोड़ देंगे या वो आएंगे वापस उसे ढूंढने के लिए, तो किधर से ढूंढेंगे उसे? यहीं घुसा है ना, गलियों में आएंगे, लोगों के घरों में आएंगे, चारपाइयों के नीचे डांग फेरेंगे, तो जब वो घरों में आ जाएंगे तो फिर बाकी जो कुछ होता है तो वो तो फिर होगा ना, उन्हें घर के अंदर तक लाया कौन? जो मैदान से भाग के घर में आके घुसा वो लेके आया ना, लोगों के अंदर आके छुपने का ये नतीजा निकलता है? हुजूर ने कैसे जंग किए यार, खुदा के लिए सोचें, आप मक्के से मदीने आने से पहले जो आपको लेने के लिए आए उनको साफ बताया मुझे ले जाने का मतलब मालूम है, आपके बताने के बाद हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्होंने अलहदा बताया कि इनको लेके जा रहे हो, पता है पूरे अरब से लड़ना पड़ेगा, ले जा सकते हो तो लेके जाओ, पूरे अरब से लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों की हिफाजत उस तरह नहीं करते जिस तरह इनकी हिफाजत करेंगे, कोई धोखा है, कोई जबर है, कोई जबरदस्ती है, और कोई छुपाया है कुछ? साफ बताया कि क्या होगा, मुझे साथ ले जाने का मतलब क्या है? ठीक हो गया, चले गए मदीने पहुंचे, तो मदीने में सिर्फ ओस और हजरत जी तो नहीं थे ना, वहां यहूदी भी थे, उनको भी बुलाया, बैठाया, उन्होंने कहा मदीने पे हमला हो सकता है, हमला होगा तो मिलकर दिफा करेंगे, उन्होंने कहा जी मिलकर दिफा करेंगे, उनको भी धोखे में नहीं रखा, हालांकि यहूदी है मुसलमान नहीं है। मायदा करने का मतलब क्या है कि हमला होगा, जॉइंट डिफेंस, आप भी हमारे साथ, उन्होंने कहा बिल्कुल जी। गज़वा बदर निकले हैं काफले के लिए, तिजारती काफला, रास्ते में मालूम हुआ लश्कर आ रहा है, उधर ही रुक गए, बैठ गए, लोगों को बैठाया, उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए से बताया कि मक्के से एक लड़ने वाला लश्कर आ रहा है, और अल्लाह ने यह भी बता दिया कि इन दो में से एक तुम्हारा होगा, या तो तजारती काफला या मक्के से आने वाला लश्कर। इस मशवरे के दौरान बहुत सी बातें हुई, महाजरीन ने उठ उठ के बड़ी तकरीरें की, जैसे आज हम तकरीरें सुनते हैं कि फलस्तीन चलो, उन्होंने भी तकरीरें की, बल्कि उनमें यह भी कहा गया कि आप हमें असहाबे मूसा पर क्यास न करें जिन्होंने कहा था फजबा अंत व रब्बो का फकातिल, आप हमें हुक्म करें हम दरिया में अपने घोड़े डाल देंगे, समंदर में डाल देंगे, भाई ये तकरीरें हुई, हुजूर फैसला नहीं फरमा रहे। फिर अंसारी सरदार उठे, उन्होंने कहा हुजूर मालूम होता है आपका रूए सुखन हमारी तरफ है, हमने आपको रसूल माना है, आप हमें जो इस बात को छोड़ दीजिए हमारा मायदा क्या हो, असल में मायदा ये हुआ था कि मदीने पर हमला हुआ तो हम दिफा करेंगे, अब यहाँ बाहर निकल कर मुकाबला करना पड़ रहा है, तो हुजूर के दिल में है कि मैंने इनसे ये मायदा तो नहीं किया था, तो आप उन्हें जंग में नहीं झोंक रहे हैं। यहाँ तक कि सरदार ने खड़े होकर कहा कि आप हमें जो हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे, अब हुजूर ने फरमाया कि चलें। तो हुजूर ने तो जंगें इस तरह लड़ी हैं, किसी को धोखा दे के नहीं लड़ी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई नौजवान जो उम्मत का नुमाइंदा नहीं है, जो कौम का नुमाइंदा नहीं है, वो अपने जोश और मगलूबुल जज्बात है, गुस्सा आया हुआ है उसको, रिएक्शन में है, वो जाके किसी के साथ छेड़खानी कर देते हैं। अब जब उधर से वो उसकी ठुकाई करता है तो ये दौड़ता हुआ आ जाता है बरादरी के पास, वो बरादरी वालों वो गैरत करो, वो देखो जी मुझे उन्होंने कितना मारा है, तो भाई तुमने ये क्या किया था उनके साथ? ये कोई उसे पूछे तो वो कहें तुम मुनाफिक हो, तुम काफिर हो, तुम अपने मुसलमान भाई की गैरत नहीं करते हो, देखो तुम्हारे बरादरी वाले के साथ उन्होंने क्या किया, पूरी बरादरी की नाक कट गई। भाई इस तरह तो फिर जो पांच आदमी उठ के फसाद बर्पा कर दें, सोचे तो सही। मैं आपके सामने दो मिसालें रखता हूं, दोनों अंबिया की रखता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हैं, रसूल हैं, वो सुबह सुबह निकले हैं, शहर में जा रहे हैं, उनकी कौम का एक आदमी किसी दूसरे आदमी से लड़ रहा है, उन्होंने देखा एक किप्ती है, एक बनी इसराइली है, उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने कहा ये मुझे मारता है, उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, मारा मुक्का एक फकजा, मार दिया, कत्ल हो गया। अब उसके बाद ख्याल आया कि यह मैंने तो कोई तहकीक ही नहीं की, असल मसला क्या था, ठीक कौन था, गलत कौन था, और मैंने अपनी कौमी गैरत में बंदा मार दिया, तौबा की, और यह भी कह दिया कि मैं आज के बाद इस तरह की किसी की मदद नहीं करूंगा, वला अकुम
मिनल मुजरमीन ज़ाहिरीन, इस तरह के अल्फाज मेरे जहन में, यानी मैं आज के बाद किसी मुजरिम का इस तरह का साथ नहीं लूंगा। अगले दिन जब वो आए तो फिर देखा वो फिर लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने फिर कहा मूसा मदद करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मालूम होता है तू ही शरारती और बागी आदमी है, आगे बढ़े छोड़ाने के लिए बढ़े, पहले पहले तो मारे थे मारा, अब छोड़ाने के लिए ये इतना चाहा कि छोड़ा दे। बावजूद इसके इस शख्स ने जो कल मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांग रहा था और आज भी मांग रहा था, कल का राज़ी फाश कर दिया। इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से मदियन जाना पड़ गया था। अब आपको इस ज़हनियत का पता लगा, फसाती ज़हनियत, लड़ाई पैदा करो फिर उसमें औरों को इन्वॉल्व करो, मुतादी करो उसको, और अगर कोई साथ ना दे तो उल्टा उसके ऊपर अटैक करो। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही हुआ। इसके बरक्स कैफियत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, सुलह हुदैबिया। आप जरा सोचें 1400 या 1800 लोग मरने के लिए तैयार, हुजूर के साथ एहराम बांध कर निकले हैं, कुर्बानी के जानवर साथ हैं, तलवारें नियाम में हैं, कोई मुकाबले का इरादा नहीं है, नेक इरादे से जा रहे हैं। हुदैबिया के मकाम पे जाके मसला खड़ा हो गया, आगे जाने पे रुकावट आ गई, मुज़ाकरात होते हैं, हज़रत उस्मान की शहादत की खबर फैल जाती है, इस पे बैत होती है अलल मौत, सब मर जाएंगे यहाँ पर, उस्मान का बदला लेके जाएंगे। बहरहाल लंबी चौड़ी बात है, मुज़ाकरात हुए, आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान मायदा हो गया। अब ज़रा सिचुएशन देखें, मायदे के बाद पहला नतीजा ये निकला कुर्बानी यहीं करनी है, ये रवायती नहीं है, रवाज ही नहीं है, रस्म ही नहीं है, कुर्बानी तो जाके मक्के में खाना काबा के पास की जाती है, ये यहाँ पर क्यों कर लें, करनी पड़ी। एहराम खोल दें, भाई एहराम बांध के मीकात के अंदर आए हैं, तवाफ़ के बगैर एहराम खोला नहीं जाता, मज़हब तो यही कहता है, फतवा तो यही है, मुफ्ता बही कौल तो यही था, तब भी खोल दो, रसूल कह रहा है खोल दो। कितना जज्बाती मसला है। अच्छा यही नहीं है, अगर इधर जोश था तो जोशीले उधर भी थे कुफार की तरफ, यानी देहात में होता है ना, देखें वो बड़े लोग बैठ के तो सुलह जुलई जो ही कर रहे होते हैं, मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, बाहर लड़ाई हो जाती है, नौजवान आपस में लड़ पड़ते हैं, मारे जाते हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी, उन सारे मुज़ाकरात धरे के धरे रह जाते हैं, जैसे अभी सऊदी अरब और इसराइल धरे रह गए, इसी तरह वो देहात में भी धरे के धरे रह जाते हैं। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं, बाहर खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ये कभी घोड़ा इधर दौड़ा रहे हैं, कभी उधर दौड़ा रहे हैं, गर्द दौड़ा रहे हैं, मुसलमानों के मुंह पे गर्द पड़ रही है इस तरह के, ताकि इनको गुस्सा आए और ये हमलावर हों। कुछ लोगों ने मुसलमानों के साथ छेड़खानी भी की, गुस्सा दिलाया, किसी मुसलमान ने किसी काफिर के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये डिसिप्लिन, ये ऑर्गेनाइजेशन, असल में इसी को देख के तो वो जो ताइफ का सरदार आया था, उसने जाके बता दिया था काफिरों को कि तुम गालिब नहीं आ सकते उनके ऊपर। ये जो नबी सल, आप सोचें आज के दौर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो, हम जोशीले लोग किसी के साथ जाएं और वहां जाके इस तरह के मुज़ाकरात हो, कि इस तरह का फैसला हो, हम कहेंगे यहूदी एजेंट, ईसाई एजेंट, अमरीकी एजेंट, पता नहीं किधर एजेंट। ये बात जहन में रखें, हकीकत क्या है, सारे अरबों ने मिल के लड़ा इसराइल से, नहीं जीत सके। आज आप कहते हैं कि जी लड़ो उसके साथ, क्या कौन लड़ेगा, शाम लड़ेगा, सऊदी अरब लड़ेगा, पाकिस्तान लड़ेगा, हैं? अपनी शहरक कहाँ है, वो कश्मीर हमारी शहरक है ना, कहाँ है वो, जो अपनी शहरक नहीं छुड़ा सका वो जाके यरूशलम छुड़ाएगा। दुनिया समझें, दुनिया क्या है, बदली हुई दुनिया है, जंगें आज भी होती हैं, लेकिन अमेरिका भी अफगानिस्तान पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकता। जंगें आज भी होती हैं, लेकिन ये कि कोई बड़े से बड़ी सुपर पावर किसी छोटे से छोटे मुल्क पर ज्यादा देर तक अपना कब्जा बरकरार, दुनिया बदल चुकी है। दिफा के काम तो आती हैं, एग्रेशन अब तबाही के लिए तो हो सकती है, कब्जा होल्ड करना इलाका, ये बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन इसराइल और इसराइल के पीछे खड़ी ताकतें, अब आप मुझे बताएंगे फजाए बदर पैदा कर, तो मैं आपको वो बता चुका हूं जो आप बदरी हैं, ये मुंह और मसूर की दाल, वजह में तुम वो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, क्या काम है जो हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है कि हम कहें फजाए बदर हैं। ये आले सऊद को देखो, ये फजाए बदर पैदा करेंगे, ये उर्दन वालों को देखो, ये फजाए बदर पैदा करेंगे, गद्दार उम्मत के गद्दार, आज से नहीं,
सौ साल से तुर्कों के खिलाफ बगावत शरीफ हुसैन वाली मक्का, ये जो अब जो बैठा हुआ है हुसैन उर्दून में, इसका दादा, उसने की थी ना। ये आले सऊद कौन है? ये अंग्रेजों के एजेंट? ये फसाए बदर पैदा करेंगे? हासिल क्या है? मैं आपको बताऊं, हमारे इन आमाल की वजह से अल्लाह को हम नाराज कर बैठे। यरूशलम निशानी है, मैंने आपको बताया हक किसका है? हमारा है, यहूदियों का नहीं है, नसरानियों का नहीं है। एक दलील इस पर और भी दे दूं, अल्लाह का मरकज है। आज अल्लाह की नुमाइंदगी करने वाली उम्मत हम हैं, हमें उसकी नुमाइंदगी मिलनी है, नंबर एक। नंबर दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कायम किया है। इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, माँ का ना इब्राहिम व यहूदिया वाला नसरानिया, तो जो मस्जिद इब्राहिम ने बनाई है वो ना यहूदियों की है ना नसरानियों की है। वलाकिन कान हनीफ हम मुस्लिमा, तो इब्राहिम अगर मुस्लिम थे तो मस्जिद भी मुसलमानों की है, ठीक है। हक हमारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये हक कभी भी दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। सारे मुसलमान जो फलस्तीनी जो इस मामले में डटे हुए हैं, मेरा सलाम है उनको, इसमें अगर सारे जान दे देते हैं तो शहादत है। और हम सबको दुआ करनी चाहिए उनकी इस्तेकामत की, वो कभी ये सौदेबाजी ना करें, ये जो हम उन्हें बता रहे हैं कि दो कौमी और दो रियासती फार्मूला, यानी यरूशलम के ऊपर यहूदियों का हक तस्लीम कर लें, ये बहुत बड़ी बेगैरती है। मर जाएं, हक तस्लीम नहीं करें, ठीक है। किसी ने गासबाना कब्जा करके रखा है, मैं मानता तो नहीं हूं ना उसके कब्जे को जायज, मानना नहीं है कभी, लेकिन आप छीनने की पोजिशन में नहीं है, ये मैं आपको साफ बता दूं, सारे मिलकर भी नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह से बगावत की हुई है। ये दो मरकज मैंने आपको बताया, यरूशलम खाना काबा, दोनों के बारे में अल्लाह की सुन्नत बिल्कुल मुख्तलिफ है। खाना काबा मुशरिकों के पास था, ये हुजूर से पहले मुशरिकी थे ना, जिनके जो मुतवल्ली थे खाना काबा के, जब वो शिर्क की हालत में थे, अहले किताब अब्राहा उसने हमला किया, इनसे तो बेहतर था ना, अहले किताब था, इनसे बेहतर था, उनका जबिया हम खा सकते हैं, मुशरिका नहीं खा सकते, उनकी औरतों से निकाह कर सकते हैं, मुशरिक की औरत से नहीं कर सकते, तो बेहतर है या नहीं? वो अब्राहा ने हमला किया, उस पर अल्लाह ने अबाबिल भेज दिए, मुशरिकों की मदद की, अब्राहा को मक्के में नहीं दाखिल होने दिया। इधर क्या हुआ, जो यरूशलम में बैठे हुए हैं वो अहले किताब, और उनमें बहुत से नेकोकार, बुख्ते नसर के हमले के वक्त तो नबी भी मौजूद थे बीच में, और हमला करने वाले कौन? मुशरिक। लेकिन उनको अल्लाह ने गालिब किया। नतीजा निकाले, नतीजा ये है, जो मुसलमान उम्मत जिसको अल्लाह इस यरूशलम का वारिस बनाए, अगर वो अल्लाह के दीन को पीठ दिखाएगी तो अल्लाह ताला उसे यरूशलम में जलील करेगा। दो दफा अल्लाह ने यहूदियों को जलील किया, और उन यहूदियों के हाथों आज मुसलमानों को जलील कर रहा है। ये निशानी है कि अल्लाह ताला हमसे राजी नहीं है, ये निशानी है कि अल्लाह हमसे नाराज है। और क्यों ना नाराज हो, हमने अल्लाह की किताब के साथ क्या किया? वजह में तुम वो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्मा यहूद, और वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। और अल्लाह ने कहा वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयात रब्बिही, उससे बड़ा जालिम कौन जिसको उसके रब की आयात से समझाया गया, सुम्मा अरज़ा अन्हा, फिर भी मुंह मोड़ के चल दिया। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, ऐसे मुजरिमों से हम इंतकाम लेंगे। तो अल्लाह इंतकाम लेता है तो फिर इसी तरह लेते हैं, किसी के हाथों पिटवाता है। यहूदियों को पिटवाया ना जब ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना तो टाइटस रूमी से, आज हमें यहूदियों से पिटवा रहा है। शायद इसीलिए अल्लाह ने रखे हुए थे कि जब ये मुसलमान बगावत करेंगे तो यहूदियों से पिटवा के इन्हें समझाऊंगा कि बाज आ जाओ। इस सारी सूरत हाल में देखने की बात ये नहीं है कि हम जंगी हिकमत अमली क्या करें, पहली बात यह है कि हम तोबा करें। पहली बात यह है कि जिसे ये जोश चढ़ा है, ये कल परसों एक बंदा इधर आ गया, कहता जी मुझे फलस्तीन जाना है, रास्ता बताएं। तो उसे बताया यार वो फलस्तीन मतलब वो ईरान का वजीर ख़ारिजा भी बेचारा नहीं जा सका, तो तुम कैसे जाओगे? उसको अगलों ने शाम नहीं उतरने दिया, पता है आपको, शाम जा रहा था उधर नहीं, शाम में नहीं उतरने दिया, उधर से भी वापस आ गया। मिस्र ने कोशिश की कि वो सरहद खोले,
बंद उसने रखी हुई थी, लेकिन ये थोड़ी सी कोशिश की खोलने की, बमबारी करके बंद कर दी। जो सारे अरब इस तरह बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उसके सामने शागिर्दों की मानद बैठे हुए, कोई चू नहीं कर सकता, कोई मुकाबले की किसी के अंदर कोई हिम्मत नहीं है। हाँ, अवाम के अंदर है। बहरहाल मैं ये जो बात आपसे कह रहा, असल ज़रूरत है तौबा करने की, असल ज़रूरत है अल्लाह से इस्तेकामत की दुआ मांगने की। और क्यों मांगने की, अब आखिरी बात सुन लीजिए। फलस्तीनी तो शायद अब नहीं रहेंगे, और दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें शहादत अता फरमाए। मरना तो है ही, तो मौत शहादत की मौत हो, अगर उनकी ज़िंदगी यानी बजाय महाजरत के उन्हें निकलना पड़े वहाँ से, उससे शहादत बेहतर है। 23-25 लाख हैं, तो यहूदी तो 60 लाख हिटलर ने मार दिए थे। आपको नहीं मालूम 60 लाख फलस्तीनी 67 की जंग में जो है निकाले गए यहाँ से। 25,000 फलस्तीनी तो अपने ज़ियाउल हक साहब ने मार दिए थे, ये तो सारे बताते हैं। साथ ये नहीं बताते कि उनके साथ जो एयरफोर्स के कमांडर थे वो हमारे शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद साहब थे। तो अब 20 लाख 25 लाख, एक बात कही जाती है जी इमदाद लेके जानी है, मैं फिर माजत खाऊं, 25 लाख लोगों को इमदाद देना, अगर फ़र्ज़ करें वहाँ इमदाद पहुँच सकती है, तुर्की के लिए मुश्किल है कि वो हुकूमती वसाइल से इमदाद दे दें। हम इतने अफगानों को इमदाद इतने अरसे से दे रहे हैं, तो यार हुकूमतों के लिए कोई मुश्किल तो नहीं है, ये आवाम से चंदा मांगने का क्या मतलब है। और जाएगा कैसे, पहुँचेगी कैसे, जहाँ पानी नहीं जा रहा, जहाँ बिजली नहीं जा रही, कोई शय अंदर जाने नहीं दे रहे, ये आप किस तरह पहुँचाओगे। खैर चलें ये कलदा बात है। ये फलस्तीनी अगर नहीं रहे तो क्या यहाँ अमन हो जाएगा, इसराइल का ख्याल है कि अमन हो जाएगा, और मुझे शक है कि अरबों का भी ख्याल है कि अमन हो जाएगा। मेरी जो भी असेसमेंट है, ये मेरा तज्जिया, मैं यकीन से नहीं कह सकता, मेरा तज्जिया ये है कि फलस्तीनियों के ख़त्म करने पर अरब इसराइल के साथ राज़ी हो चुके हैं, और ये असेसमेंट महज तुक्के की बुनियाद पर नहीं है, जो कुछ हो रहा है उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी ये मदद करनी चाहिए, फलाना करना चाहिए, ये दुआएं भेजनी चाहिए, ये तो मतलब है तुम मारो, हम जरा इनकी मरहम पट्टी करते रहेंगे, ये तो सीधा सीधा ये मतलब है, ये राजी हैं इसके ऊपर। कज़न हैं असल में वो, उन्होंने दाना ही ये डाला है कि हम कज़न हैं, पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, हमें अमरीकियों से इताअत करने के, तुम हमारे साथ हो जाओ, बाकी दफ़ा करो। पीछे चीन भी है, ये जो ईरान और सऊदी अरब की राजीनामा हुआ, जो सऊदी अरब और इसराइल का राजीनामा, इस सबके पीछे चीन है। अब असल में अमेरिका ये चीन की गेम उलट रहा है, ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, ताकि इसराइल का पूरी तरह कब्जा हो जाए, और चीन को जैसे एक वक्त में यहाँ ऑपरेशन करके तो सीपैक रोक दिया गया था, तो अब वहाँ से रोक दिया जाए। तो क्या चीन अब नीचे होके बैठेगा, रूस नीचे होके बैठेगा, ईरान नीचे होके बैठेगा? नहीं। और नंबर दो, अगर 23 लाख फलस्तीनी इस तरह शहीद कर दिए जाते हैं, क्या अरब हुक्मरान तो बेगैरत हैं, आवाम तो नहीं बेगैरत, अभी भी लोग वलवले और जोश का इजहार कर रहे हैं, और इसराइल की अपनी कोशिश भी होगी कि लोग और भी जोश का मुजाहरा करें। क्यों, इसराइल का मंसूबा सिर्फ कोई गजा तक तो नहीं है, इसराइल के मंसूबे में पूरा शाम शामिल है, इसराइल के मंसूबे में यमन शामिल है। मैंने आपको बताया था सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कहाँ तक थी, तो ग्रेटर इसराइल के मतलब में यमन शामिल आएगा या नहीं आएगा, ग्रेटर इसराइल में शाम शामिल होगा कि नहीं होगा, ग्रेटर इसराइल में मदीना शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 3 कबीले तो हजूर ने निकाले वहां से और हैं, इराक फुरात तक है, और ये सारा जो है ना मिस्र में जो यूसुफ अल इस्लाम के दौर में जो इलाका उन्हें दिया गया था वहां तक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि जो इस वक्त हुकूमतें हैं ये खत्म हो जाएं। ये खत्म होंगी कैसे, खत्म होंगी आवाम उठ के खत्म करेंगे, आवाम को जब गुस्सा आएगा कि फलस्तीनी मरे और हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर सके, ये सारे एजेंट हैं, चलो जी इनके खिलाफ बगावत करो, तोड़ो फोड़ो, आगे लगाओ, अपना मुल्क अच्छी तरह तबाह करो, और हुक्मरानों से जान छुड़ाओ, जान तो छूट जाएगी, हुक्मरानों को तो आग लगा देंगे। जो हशर किया है कजाफी का, वो हशर अपने सारों का कर लेंगे। तो अब लीबिया में क्या हालात हैं, इस्लाम आ गया है, कजाफी तो मर गया,
लेकिन उसके बाद लीबिया में इस्लाम आ गया, तवायफुल मुल्क ये, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। यही सऊदी अरब में होगा। अब आपको समझ आई, हज अमीर के बगैर होगा, हदीस है ना, हज अमीर के बगैर होने का मतलब क्या, सऊदी अरब की हुकूमत नहीं रहेगी तो तब अमीर के बगैर होगा ना, जब तक सऊदी अरब की हुकूमत होगी तो अमीर के तहत हज होगा। हज अमीर के बगैर होने का मतलब यह है कि सऊदी अरब की हुकूमत नहीं रहेगी, तो ना हुकूमत रहे शाम की, ना रहे सऊदी अरब की, ना रहे मिस्र की, ना रहे उर्दुन की, ना रहे लबनान की, ना रहे इराक की, तो वाको और किसे मिलेगा, इसराइल को। अब मैं आपको एक बात और, मैंने एक दफा एक जगह पे पढ़ा हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए जो बहुत सी दवाएं करते थे, उनमें से एक दवा ये भी थी कि अल्लाह इन पर कोई ऐसा मुसल्लत ना कर देना जो इनका बीज खत्म कर दे। तो अल्लाह ने हुजूर से वादा किया कि मैं कोई गैर आपकी उम्मत पर ऐसा मुसल्लत नहीं करूंगा जो इनको बिल्कुल खत्म कर दे, लेकिन ये एक दूसरे को कत्ल करेंगे। पिछले 20 सालों में आप अगर देखें, मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल हुए और सबसे ज्यादा मुसलमान एक दूसरे के हाथों कत्ल हुए हैं। जहां आपको आप ये 23 लाख को रो रहे हैं, अभी इन पिछले चंद सालों में सिर्फ शाम में 60 लाख मुसलमान मरे हैं, आपको खबर ही नहीं। ये जो आपस इन फाइटिंग 60 लाख, उसमें बमबारी भी थी, रूस ने भी बमबारी की, अमेरिका भी उसमें शरीक हुआ और भी शरीक हुए, लेकिन 60 लाख मुसलमान शहीद हुआ है। असल टकराव आपस में था, अफगानिस्तान में ये जो इतने मरे हैं, इतने अमरीकियों ने तो नहीं मारे जितने के जो इन फाइटिंग से मरे थे, वो जो तालिबान के आने से पहले के दौर की बात कर रहा हूँ, रूसियों के दौर में इतने नहीं मरे थे जितने आपस में लड़के मरे थे। पाकिस्तान में जितने ये हुए हैं, तो ये अमरीकियों तो यहूदियों ने तो हिंदुओं ने तो नहीं मारे ना, ये तो बीच तो सारा अपना ही खेल है। कोई फौजियों ने जो है ना गोलियाँ मार के मारे हैं, तो कोई उन्होंने बम फाड़ के मारे हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि ये आपस की ही जंग कराएंगे, यहूदी भी और ईसाई भी, और उसके नतीजे में फिर ये पैदा होगा। अगरचे कि ये बहुत बुरा हाल है, हदीसें अगर आप पढ़ें तो उसमें आता है कि किसी के 100 बेटे होंगे तो 99 मर जाएंगे, एक बाकी बचेगा। तो फलस्तीनियों के ख़त्म होने का मतलब है उस दौर का आगाज़ हो जाएगा जिसमें ये तबाही फिरनी है। फलस्तीनियों के ख़त्म होने का मतलब है आप आर्मगेडन में दाखिल हो गए। अगर यहूदियों को समझ हो तो वो फलस्तीनियों को ख़त्म करने की बात ना करें, अगर अरबों को समझ हो तो वो अपने दोस्तों कज़न्स को समझाएं कि ये चीज़ अगर हो गई तो हमारी हुकूमतें भी बाकी नहीं बचेंगी, और इन अरबों ने अगर पेशाब कर दिया तो तब भी तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। सारे लोग निकल आए हैं, कितनों को मारोगे, अवाम के आगे कोई सुपर पावर भी नहीं ठहर सकती। लोग सड़कों पर आ जाएं, आपने रूस में देखा, आपने तुर्की में देखा, अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो इस बात को समझ लीजिए कि हम दर हकीकत महसूस ये होता है कि जो जिसे हदीस में अल मलखमतुल उज़्मा अल मलखमतुल कुबरा कहा गया है उसके दहाने पे पहुंच चुके हैं। इसराइल तुला हुआ है, अरब उसके साथ हैं, फलस्तीनियों को ख़त्म कर दें। अगर ऐसा हुआ तो भूल जाएं कि फिर कभी मशरक़ वस्ता में अमन होगा। हज़रत मेहदी का आपने सुना है, मैं चाहता हूँ, पता नहीं आइंदा मौका मिले या ना मिले, कुछ वक्त में ऊपर ले लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि साथ लोग पूछते भी रहते हैं कि ईरान का क्या होगा। मेरा ये गमान है, अब देखिए ये अंदाजे की बात है, ये जो लोग आखिरी दौर की हदीसों की बात करते हैं, मैं सुनता रहता हूँ और मुझे डर लगता है कि लोग हदीसों के मुनकर ना हो जाएं, इसलिए कि इतनी गलत किस्म की तावीलात और ताबीरात करते हैं उन हदीसों की। पहली बात ये समझें कि जो भी करें, मैं भी जो कर रहा हूँ एक अंदाज़ा है, ये कोई यकीनी बात नहीं है, हदीस है वो पक्की बात, वो यकीनी बात है। उसका जब हम इंतबाक करते हैं तो ये यूं होगा या नहीं होगा, ये हमारे इल्म की बात है, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो जो और भी करते हैं उनको भी इसी अंदाज में बात करनी चाहिए, इसके गलत होने का भी उतना ही इम्कान है जितने इसके सही होने का इम्कान है। लेकिन मुझे यूं समझ आता है कि अब यहाँ से जो सिलसिला चलना है, जैसे कि अहादीस में आया है, तो हज़रत मेहदी के आने से पहले या बाद, ये मैं अब कुछ नहीं कह सकता, झूठे मेहदी ने आ जाना है। ये जो झूठा मेहदी होगा यही बाद में अल मसीहुद दज्जाल बनेगा। झूठे मेहदी की जरूरत किसे होगी, हमारा मेहदी सुन्नियों के मेहदी का तस्वीर है,
सुन्नियों के मेहदी का तसव्वुर एक फितरी तसव्वुर है, वो एक मुसलमान घराने में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में वो पैदा होंगे, जन्म लेंगे, बड़े होंगे, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजारेंगे, यानी हो सकता है वो कॉलेज पढ़ें, खेलें कूदें जैसे आम बच्चे होते हैं नॉर्मल, किसी को नहीं पता कि हो सकता है दाढ़ी भी ना रखे हूँ, लेकिन एक रात में अल्लाह ताला उनकी इस्लाह फरमा देगा, यानी इसका मतलब सडन चेंज आएगी उनके अंदर, चेंज आ जाती है बंदे में, बंदा कल कुछ होता है दूसरे दिन कुछ होता है, और जब इस तरह के वाकयात हो रहे हों जैसे कि आज हो रहे हुए हैं तो हर शरीफुन नफ्स इंसान के बदलने का इम्कान हर वक्त रहते हैं, तो उनमें अचानक तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी तो उसके बाद उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका अंदाज बदल जाएगा। कुछ लोग होंगे जो उनकी तलाश में होंगे और उनकी कुछ निशानियां उनके सामने आएंगी और वो उन्हें पहचान लेंगे मक्के में, जब उन्हें पहचान लेंगे उन्हें घेर लेंगे और चाहेंगे कि उनके हाथ पे बैत करें और वो उनकी बैत लेने से इनकार कर देंगे, इनकार करके वो जब जिद करेंगे तो ये उनसे छुप कर मदीने भाग जाएंगे, उन्हें किसी तरह पता लग जाएगा कि वो मदीने चले गए, वो उनके पीछे मदीने पहुंचेंगे, वहाँ उन्हें घेरेंगे, वो वहाँ फिर उनसे खिसक के मक्के आ जाएंगे, वो उनके पीछे फिर मक्का आ जाएंगे, मकाम मुल्तज़िम के यानी जो दरवाज़ा है ना खाना काबा का उसके सामने आखिर वो उनकी बैत लेंगे, मानेंगे इस बात पर मानेंगे कि वो उनसे कहेंगे कि देखें आप अगर हमारी बैत नहीं लेते तो हमारी मौत, हमारा खून आपकी गर्दन पर होगा। जब ये मेहदी आएंगे तो इनके खिलाफ जो इकदाम होगा इनको ख़त्म करने के लिए जो फौज आएगी वो शाम से आएगी। अब शाम से आएगी मैं नहीं कह सकता कि जो अभी शाम है या जो आज उर्दन है या जो आज लबनान है या आज इसराइल है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शाम में ये सारे ममालिक आएंगे, हुजूर के दौर का शाम है, तो फौज जो आएगी हज़रत मेहदी के ख़िलाफ़ वो शाम से आएगी। कुछ अब यहाँ कुछ नतीजे निकालें, खुद भी सोचना पड़ता है। आप में से जिन लोगों ने उमरा किया उन्हें पता है मुल्तज़िम के सामने इतना गपशप लगाने का टाइम होता है, तो इसका साफ मतलब यह है हालात इतने ख़राब हो चुके होंगे कि तवाफ करने वाले नहीं होंगे, बहुत थोड़े लोग तवाफ कर रहे होंगे, तभी तो कुछ लोग मुल्तज़िम के सामने बैठ के मुज़ाकरात करेंगे उसे जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। नंबर दो, आज अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट मुताफ के अंदर हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फौज शाम से आएगी या रियाज से आएगी? रियाज से आएगी। तो दूसरा, अगर रियाज से फौज नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब यह है कि वो फौज मौजूद नहीं होगी, या तो वैसे ही इसराइल ने ख़त्म कर दी होगी या राहिल शरीफ साहब 34 झंडे लेके पाकिस्तान आ गए होंगे, कुछ ना कुछ चक्कर चल चुका होगा, ये उधर फिल वाके मौजूद नहीं होगी, नहीं तो इनके होते हुए किसी गैर को आने की क्या जरूरत है, हम हैं ना। फिर एक तरफ बात याद आ गई है, बैतुल मुकद्दस अंग्रेजों ने कब्जा किया था, मैंने आपको बताया मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है, अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था, फौजों के ऊपर टैग अंग्रेजों का लगा हुआ था, थे हम ही, थे हम ही, यहीं से फौजें गई थी, तो कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया, लिहाजा अब भी मेहदी के खिलाफ फौज शाम से आएगी। वो जो शाम से फौज आएगी मेरी जो समझ, या तो वो इसराइल की फौज हो सकती है और उसके अलावा किसकी हो सकती है, चलें आपको आप पर सवाल छोड़ देता हूँ, यह मैं बताऊँ मुझे तो लगता है ईरान की हो सकती है, क्योंकि उनके मेहदी का तस्वुर ये मेहदी नहीं है, इस मेहदी को वो नहीं कबूल कर सकते, उनके मेहदी का तस्वुर ही और है, वो मेहदी पैदा नहीं होगा, वो मेहदी पैदा शुदा है, वो मेहदी गैब है, वो मेहदी गार में है, उसने ज़ाहिर होना है, पैदा नहीं होना है। पहली बात तो ये है, दूसरी बात यह है कि उसने सबसे पहले यहूदियों से यरूशलम हासिल करना है, यरूशलम हासिल करके यहूदियों को निशानदेही करनी है कि ये मस्जिद अक्सा की यानी वो जो है टेम्पल है उसकी ये निशानी है, यहाँ ये बुनियादें यहाँ से उठाओ, गुमशुदा तौरात उसने ढूंढ के उनको देनी है, ये जो तुम्हारी गुम हो गई थी ये ले लो,
तो ये हमारे वाले मैदी ने आके यही काम करने हैं, तो आप इसी मैदी के इंतजार में हैं। वो तो ये काम, उसके तो खबरें ही हो रहे हैं, उसने तो उसके बाद पहला हमला ही जाके शाम पे करना है। तो ये मैदी और है, वो मैदी और है, और जो तारीख में किरदार बेशक तिलिस्माती हूं, जो इवल फोर्सेस होती हैं वो फिर किरदार खड़े कर देती। मसीह अलैहिस्सलाम का किरदार है, उन्होंने आना है, तो उनसे पहले एक मसीहुद दज्जाल ने आना है। तो अगर मैदी का किरदार है, उसने आना है। कितने मैदी पैदा हो चुके हैं, कोई लाहौर में से निकलता है, कोई पिंडी से निकलता है, तीन चार से तो मैं मिल चुका हूं। अब आप उसका तसव्वुर करें, फर्ज करें कोई ऐसा लीडर खड़ा हो जाता है, मिलता जुलता वो किसी से नहीं है, और वैसे भी इस तरह के लीडर मिलते जुलते कम ही हैं, और मशहूर हो जाता है मैदी आ गया, और उसके बाद वो जैसे नहीं इमरान सीरीज में एक X2 होता था जिसे कोई नहीं पता होता था ये कौन बला है। तो इस तरह की कोई बला हो और जनाब वो फतह के झंडे गाड़ता चला जाए, शाम भी फतह कर ले, उर्दुन भी फतह कर ले, लबनान भी फतह कर ले, और आखिर में इसराइल भी फतह कर ले, तो मेरा ख्याल है मेरे अलावा आप भी कहेंगे यार कि ये मैदी ठीक है, ये मैदी आपको रास्ता आएगा। लिहाजा इसके लिए भी ज़ेहनन तैयार रहें कि ये जो इस वक्त इसराइल की रियासत है ये ख़त्म ही हो जाए, और ये पूरा इलाका जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईरानियों के कब्ज़े में चला गया था, एक दफ़ा फिर उनके कब्ज़े में चला जाए। और अगर असली मैदी आएगा तो वो उसे गवारा नहीं करेंगे। ये फिर मैं कहता हूँ ये इम्कान की बात है, ये जो भी एक क्लैश है अरब व अजम का, ये उस जो उससे भी ये नतीजा निकलता है, मसलकी इख्तलाफ भी इसकी तरफ लेके जाता है। ये सूरत हाल ना पैदा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिटरेचर में चीज़ें मौजूद हैं तो आखिर किसी मंतकी अंजाम तक तो लेके जाएंगी। ये वाले यहूदी असली यहूदी हैं नहीं, वो मैंने आपको बताया लंबी दाढ़ियों वाले, और हदीस में ये आता है कि वो जो दज्जाल होगा उसके साथ 70,000 नीली चादरों वाले यहूदी इस्फहान से उसके साथ जाएंगे। तो ये जो सारा कुछ मैंने आपको बताया ये किसी तासुब मसले की तासुब की बुनियाद पे नहीं बताया, इन हदीसों की बुनियाद पे बताया। लिहाजा मैदी के बारे में ज़रा होशियार रहिएगा। अब उसने अगर ये वो दौर शुरू हो गया है, इसी के अंदर से उसने आना है, तो उससे पहले अगर कोई मैदी की इस तरह की खबरें फैल जाएँ तो आप फिर बिस्तरा उठा के ना आ जाइएगा कि शाम का रास्ता बताएं। वो जब अभी सब्र करें, शाम का रास्ता इतना जल्दी न पूछें। और ये भी मैं आपको बताऊं, हदीसें जाके पढ़ें, अल मलखमतुल उज़्मा, बाबुल फितन आप जाके देखें, और इन दिनों पढ़ें आप, वैसे तर्जमे पढ़ें आपको समझ आ जाएगी। ये जंगें शुरू इब्तदाई हिस्सा इनका मफादात के लिए होगा, सोने के पहाड़ के पीछे होगा, तेल के लिए होगा, मफादात के लिए होगा, इलाका ऑक्यूपाइड करने के लिए होगा। हुज़ूर ने फरमाया ये जो 100 में से 99 मरेंगे ना, ये वो सोने की तलाश में मरेंगे, सोना लेने के लिए, हुसूल सोने के लिए मरेंगे। इनमें से हर एक का ख्याल ये होगा कि बाकी तो नाकाम हो गए, मुझे मिल जाएगा, मैं ले लूँगा, और किसी को नहीं मिलेगा, और तुम उसमें से कुछ तुम्हें मिले भी तो ना लेना। अगर आप ईमान की बात करें, अगर आप समझदारी की बात करें, जज्बात को एक तरफ रखें, इस जंगों के इस हिस्से में किसी मोमिन को शरीक होना चाहिए, यह किसी न किसी ममलकत की प्राक्सी की जंग होगी, कहीं सऊदीया की प्राक्सी है, कहीं ईरान की प्राक्सी है, कहीं रिएक्शनरी फोर्सेस होंगी। ये कोई वो वाला जिहाद नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में खड़े होके और कुदसियों के साथ शामिल होके किया, यहाँ पर तो हर तरह का बंदा है। लिहाजा उसको ये जो ये जंगों का सिलसिला शुरू होगा, इसके बीच में फिर आता है कि एक लश्कर होगा कि जिसमें फिर वो मैदी भी शरीक होगा, और वो पहला उनकी जो होगा ना मुठभेड़, वो शाम में होगी। ये जो लश्कर जाएगा ना शाम से उनके खिलाफ, ये लश्कर रस्ते में धंसा दिया जाएगा, अल्लाह की तरफ से इस लश्कर पर अजाब आएगा, ये मक्के नहीं पहुँचेगा, पहले ही ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। मैं कहता हूँ ये आलमी खबर होगी, मैदी जब ज़ाहिर होगा हमें कोई नहीं बताएगा, ना ARY भी नहीं बताएगा। ये हमें पता कब चलेगा, जब पता चलेगा जी एक लश्कर जा रहा था वो कहीं गायब हो गया है, पता नहीं किधर चला गया है, गुम हो गया है, या ये तो नहीं बताएंगे कि ज़मीन में अल्लाह ने धंसा दिया, ये गायब हो गया है। तो जिनको पता है तो वो समझ जाएंगे कि ये वो लश्कर हो सकता है, तो वो मैदी की आलमी निशानी होगी, और मैदी ने पहला कदम किसके खिलाफ उठाना है, शाम के। अब ये अब सोचें ये बात,
मैदी के खिलाफ पहला लश्कर शाम से, मैदी जो शाम पर हमलावर होंगे तो क्यों होंगे, शाम में कुछ मुसलमान मैसूर कर दिए जाएंगे जिनके चारों तरफ ईसाइयों का लश्कर होगा, और वो ईसाई जो है ना उनको मैसूर करके दमिश्क में बैठे हुए होंगे, और वो ये चाह रहे होंगे कि उनके कुछ हॉस्टेजेस हैं जो इनके पास हैं ये उनके हवाले कर दें। तो हज़रत मेहदी जब बीच में आएंगे तो वो ईसाई हज़रत मेहदी से मुज़ाकरात करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि ये इन लोगों के साथ हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, इन्होंने हमारे बंदे जो है ना वो कैद किए हुए हैं, वो ये दे नहीं रहे, तो हम उसके लिए इनके खिलाफ जंग कर रहे हैं। तो हज़रत मेहदी कहेंगे कि नहीं, हम अपने मुसलमानों भाइयों को तना नहीं छोड़ेंगे, हमारे तो हम इनका साथ देंगे। यहाँ से हज़रत मेहदी की जंगें शुरू होंगी, 7 साल ये जंगें रहेंगी, ये कोई 2 दिन का 4 दिन का मसला नहीं है, 7 साल रहेंगे। 7 सालों के बाद नतीजा क्या निकलेगा, पूरे जज़ीरतुल अरब से ये ईसाई फौजें जो 9,60,000 यानी तकरीबन 10 लाख की तादाद में आई होंगी, ये निकाल बाहर कर दी जाएंगी और तुर्की से परे कर दी जाएंगी। तुर्की फतह हो चुका होगा, मुसलमान फतह करेंगे और अल्लाह अकबर से फतह होगा कुस्तुनतुनिया, तो खबर फैलेगी कि मसीहुद दज्जाल आ गया। उस मसीहुद दज्जाल की खबर सुन के मुसलमान वापस आएंगे, खबर झूठी होगी लेकिन जब वापस आएंगे तो वो वाकई निकल चुका होगा। यहां से फिर एक नई जो है जंग शुरू होगी और इसमें मुसलमान मुकाबला नहीं कर सकेंगे, मेहदी समेत मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और यरूशलम में, मदीने में, मक्के में और दमिश्क में मुसलमान मैसूर हो जाएंगे। अब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम उतरेंगे दमिश्क की मस्जिद पर जो है ना, वहाँ पे मुसलमान होंगे, सुबह की नमाज के वक्त उतरेंगे और वो मुसलमानों की सफ़ में खड़े होकर मेहदी के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। यानी अब वो रसूल की हैसियत से नहीं आएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती के पीछे नमाज पढ़ना यानी हुजूर के दीन को फॉलो करने के लिए आएंगे, ये इस्लाम है। अब ईसा अलैहिस्सलाम भी बतौर ईसाई नहीं आएंगे, अब वो भी मुस्लिम हनीफ मुस्लिम बन के आएंगे। तो उसके बाद ये जितने भी ईसाई होंगे ना ये मुसलमान हो जाएंगे, जो बचे खुचे ईसाई होंगे वो मुसलमान हो जाएंगे, यहूदी ख़त्म कर दिए जाएंगे, असली वाले यहूदी जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन अब एक नया हमला आ जाएगा, वो याजूज माजूज का हमला होगा और उनका मुकाबला हज़रत मसीह भी नहीं कर सकेंगे, और वो जो कुछ भी मुसलमानों को लेके कोई तूर पर चढ़ जाएंगे, पूरे इलाके पे याजूज माजूज का कब्ज़ा हो जाएगा और याजूज माजूज आसमान की तरफ अपने तीर चलाएंगे, समझे मिज़ाइल चलाएंगे, और हदीस में अल्फाज हैं कि उनके तीरों को अल्लाह खून आलूद करके वापस लौटाएगा, तो वो समझेंगे कि उनका तीर निशाने पर लगा। आज हम समझ सकते हैं कि क्या बात समझाई गई कि अब जब गाइडेड मिज़ाइल चलता है तो आप उसे ट्रैक कर रहे होते हैं, तो वो यानी टारगेट हिट हो गया, उन्हें नज़र आ गया आएगा कि जहाँ उन्होंने फेंका था वहाँ पे पहुँच गया, तो वो जश्न मनाएंगे कि ज़मीन वाले हमने ख़त्म कर दिए थे, अब आसमान वाला भी ख़त्म कर दिया, यानी अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग होगी उनकी। फिर अल्लाह ताला एक पैदा करेगा जरसूमा कीड़ा, वो कीड़ा जो है उन्हें गर्दन पर काटेगा और उनको फिर वो कोई बीमारी लगेगी, वो सारे मरेंगे और इतनी लाशें होंगी कि मुसलमान संभाल नहीं सकेंगे, उठा नहीं सकेंगे, और वो फिर बाद में बारिश होगी और वो साफ़ होगा इलाका। इसके बाद अल्लाह का दीन कुल रूए अर्जी पर गालिब हो जाएगा, जाल हक व वज़ाहक अल बातिल और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ, हज़रत मेहदी के साथ जो लोग होंगे जो 7 साल का दौर है, इसमें यह भी आता है कि एक जगह पे जो लड़ाई होगी तो एक लड़ाई में एक तहाई लश्कर एक दिन में ख़त्म हो जाएगा हज़रत मेहदी का, दूसरे दिन में एक तहाई और ख़त्म हो जाएगा, तो जो बाकी एक तहाई बचा होगा उसे तीसरे दिन अल्लाह फतह देगा। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए सुनाया कि आपको ये पता लग जाए कि हज़रत मेहदी भी शुफ करके नहीं जंगें जीतेंगे, मुकाबले करके जीतेंगे, लेकिन उनके लश्कर के अंदर भी सफाइयाँ होती रहेंगी। ये भी है कि एक दफ़ा प्रेशर ऐसा पड़ेगा कि एक तहाई लश्कर हज़रत मेहदी को छोड़ के भाग जाएगा। आप सोचें, हुजूर को छोड़ के लोग अगर वो वापस आ गए थे वो ओहद से, तो हज़रत मेहदी को छोड़ के क्यों नहीं आएंगे? तो हज़रत मेहदी के साथ जाने का भी मतलब ये नहीं है कि बस बंदा पक्का हो गया, वहाँ से भी यू टर्न का इम्कान हर वक्त मौजूद रहेगा। इसलिए इस्तेकामत असल बात यह, और हज़रत मेहदी के साथ जो लोग होंगे वो शराबी कबाबी नहीं होंगे, वो हराम खोर नहीं होंगे, वो जो है ना अल्लाह के आधे अहकाम मानने वाले और आधे तोड़ने वाले नहीं होंगे, जो होंगे वो यू टर्न लेंगे, वो होंगे कि जो पूरी तरह अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले होंगे।
अब अगर इसे आज के हालात के साथ जोड़ के देखें तो क्या मतलब बनेगा? अभी जो कुछ भी सूरत हाल बनी है, इस पे जब हालात बिगड़ेंगे तो फिर उसके बाद इसमें अमेरिका, ये जो है ना नेटो, ये इन्वॉल्व होंगे, हालात और ख़राब होंगे, इसी में हज़रत मेहदी आएंगे, इनके ख़िलाफ़ इनकी जंग होगी, और ये जब ईसाई फौजें शिकस्त खा जाएंगी तो अब यहूदी निकल आएंगे, यहूदी को ख़त्म करेंगे। तो अब याजूज माजूज, देखिए दुनिया में कौन सी कौम हो सकती है कि जिसको इस इलाके में दिलचस्पी हो। मेरी समझ के मुताबिक अब चाइना को का मौका रह जाएगा, क्योंकि ये सीपैक तो उसी ने ही बनाना था, रुकावट ये पड़ रही थी। तो फिर सड़क तो है ना शायराए रेशम, तो फिसलते चले, रेशम पर से तो फिसल के ही बंदा जाएगा ना, फिर तो फिर वो आ जाएंगे, सारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। और उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, उनकी क्या जंगी हिकमत अमली, अभी तो किसी ने देखी ही नहीं। उन्होंने तो बस सिर्फ मुक्कू से कुछ कुट्टा है इंडिया वालों को, बाकी तो उन्होंने किसी को आज तक कुछ कहा नहीं। तो वो तो पहली दफ़ा पता चलेगा ना कि वो किस तरह निकलते हैं। तो उसके बाद वो हैं, तो फिर उनके बाद वो जो भी अल्लाह वाले बाकी रह जाएंगे, वो बाकी दुनिया के ऊपर ये जाल हक वज़ाहक अल बातिल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी बातें कि कुल आलम पर अल्लाह का दीन गालिब होगा, वो पूरा हो जाएगा। गोया इस अमल, ये जो आज ये काम शुरू हुआ है, उस अमल का आगाज़ बन जाएगा ये। तो अब इसकी रोशनी में देखिए हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त करना चाहिए, हमें अल्लाह की किताब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए, हमें इन हालात को देखकर ये समझना चाहिए कि क़यामत सर पे आ गई है। इन हालात को देखकर हमें दुनिया की ख्वाब देखना बंद करने चाहिए, और इन हालात को देखकर इधर उधर दौड़ने के बजाय अल्लाह की तरफ दौड़ना चाहिए। फ़फिरु इलल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ। उसके बाद अगर हमारी जान भी जाती है तो सही राह पे जाएगी। उसके बाद जब ये ईमान आता है तो अल्लाह वो रोब भी दे देता है जो दुश्मन पे तारी होता है, और ईमान के बगैर अल्लाह दुश्मन का रोब तारी कर देता है। सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरु रोब, काफरों के दिलों पे भी रोब चढ़ जाता है और मुसलमानों के दिलों पर भी रोब आ जाता है दुश्मन का। जिसके दिल पर दूसरे का रोब आ गया वो मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये बता चुका हमारी इस वक्त हालत क्या है। हालत वो है जो कभी यहूदियों की थी, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कनत व बाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह, इन पर ज़िल्लत और मस्कनत थूप दी गई और ये अल्लाह का गज़ब कमा के लौटे, गज़ब इसलिए कमा के लौटे। एक बात और भी बता दूँ सूरह हज के हवाले से, क्योंकि ये हदीस आजकल मैंने देखी है कई जगहों पर एक दूसरे से बयान हो रही है, अकवाम तुम पर यूँ टूट पड़ेंगी कि जैसे खाने पर दस्तरखान लगा के कोई भूखे टूटते हैं। ये बात कही है, बिल्कुल हदीस है, लेकिन ये पूरी हदीस नहीं है, आगे भी अल्फाज है। जब ये बात हुजूर ने फरमाई तो सहाबा परेशान हुए कि हम लोग हमसे डरते हैं, वो हम पर टूट पड़ेंगे, कैसे टूट पड़ेंगे। उन्हें एक ही बात समझ में आई कि हम थोड़े होंगे, तो हुजूर से पूछा कि हुजूर हम थोड़े रह जाएंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम उस दिन बहुत ज्यादा होगे। तो फिर सहाबा को तो बिल्कुल नहीं समझ आई, उन्होंने कहा कि ये कैसे। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी हैसियत झाग की तरह हो जाएगी जिसमें कोई जान नहीं होती, और तुम्हें एक बीमारी लग जाएगी जिसका नाम वहन है। तो साहबा ने पूछा मल वहन हो या रसूलल्लाह, ये वहन क्या बीमारी है। तो हुजूर ने फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। ये पता है किसकी निशानी है? कुरान कहता है ये भी यहूदियों की निशानी है। सूरह हज में फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु, यहूदियों से कहा ऐ यहूदियों ये मौत वो है जिससे तुम भागते हो। फइन्नहु मुलाकीकुम, वो तुम्हें मिल के रहेगी, भाग भाग के वो तुम्हें मिलेगी, फेस करना पड़ेगा। सुम्मा तुरद्दून इला आलमिल गैब वश्शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे उस अस्थि के सामने जो छुपे जाहिर सबको जानता है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, वो तुम्हें बताएगा जो तुम किया करते थे। आज हम मुसलमान उस मौत से भागते हैं, तो ये भी यहूदियों वाली निशानी है या नहीं है? तो हुब्बु दुनिया, दुनिया की मोहब्बत निकालें और मौत से भागें ना। अल्लाह से अगर ताल्लुक अच्छा होगा, आपको यकीन है कि अल्लाह आपसे राज़ी है, तो मरना आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ हो जाएगा, क्योंकि महबूब से मुलाकात का ज़रिया है, आपकी कुर्बानियों का इनाम मिलने का मौका है।
इसे कहा गया जैसे रोजेदार को इफ्तार के वक्त खुशी होती है कि अब खाऊंगा पीऊंगा, इसी तरह जिसने अल्लाह के दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर की हो उसे मौत के वक्त खुशी होती है कि अब मेरा इम्तिहान ख़त्म, अब मेरे जो है ना एहसान, मुझ पर एहसान करने का दौर शुरू हो रहा है, इनाम करने का दौर शुरू हो रहा है। तो इस बात को समझ लें, ये है करने का काम, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत बनाना, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना। ये वाले लोग मिलके जब एक जमात बनते हैं तो उनकी अल्लाह ताला मदद करता है, उनके दिलों को अल्लाह जमा देता है। सब्बित अकदामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, उनके कदमों को जमा देता है, काफिरों के मुकाबले में उनकी मदद करता है। और जो लोग अल्लाह के दीन से पसपाई इख्तियार करते हैं उनके दिलों को अल्लाह कमज़ोर कर दे, रोब तारी कर देते हैं, कदमों को उखाड़ देते हैं और उनको ज़िल्लत और मस्कनत से दोचार कर देते हैं। ये अल्लाह की मुस्तकिल सुन्नत है और यरूशलम इसकी निशानी है। आपके कब्ज़े में है, आप अल्लाह के महबूब हो। आपके हाथ से निकल गया इसका मतलब है अल्लाह आपसे नाराज़ है। दो दफ़ा यहूदियों के पास से निकला, मैं तीन दफ़ा निकल गया और तीनों दफ़ा जब उन्होंने फसाद किया तो निकला, मुसलमानों से निकला तो उन्होंने फसाद किया तो निकला, आज निकला हुआ है तो हम अल्लाह की नज़र में महबूब नहीं है तो निकला हुआ है। ये वो बात है जो हम समझें भी और समझाएं भी तो शायद मुसलमानों के हालात बेहतर हो जाएं। इसके बगैर एटम बम के समेत भी हमें कोई इज्जत नहीं मिल सकती। ये समझने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वास्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।